Hello students, welcome to this JEE Main Revision course from Vidya Mandir Classes. I am Abhishek Kumar, Physics HOD at VMC और आज के वेबिनार में हम डिस्कशन करेंगे DC Circuits का पार्ट 2. DC Circuits का एक वेबिनार ऑलरेडी हो चुका है और उसमें हमने जिन टॉपिक्स का डिस्कशन नहीं किया था उन टॉपिक्स को आज के सेशन में हम करेंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पहले हम करेंगे. और इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे वोल्टमीटर है, एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है. और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि डीसी सर्किट से हर साल क्वेश्चंस आते हैं मेंस के एग्जाम में और वो इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन तो एक रहता ही रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है. फिर हम कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स की भी थोड़ी बात कर लेंगे और फिर हम बात करेंगे वैसे सर्किट्स की जो कि जिसमें कि कैपेसिटर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, हम उनको आरसी सर्किट्स बोलते हैं. तो ये आज हमारा डिस्कशन होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को. पहले हम बात कर लेते हैं एमीटर एंड वोल्टमीटर का. तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं. जैसे एमीटर हम यूज करते हैं टू मेजर करंट, करंट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर को. और ये बेसिकली वो करंट बताता है जो कि इसके थ्रू पास करता है. तो फिर हम इसको सर्किट में कनेक्शन कैसे करते हैं, तो जिस भी कॉम्पोनेंट के थ्रू हम करंट पता करना चाहते हैं, मान लो अगर हमारे पास सर्किट में एक रेजिस्टर है, जिस रेजिस्टर में फ्लो करने वाले करंट को हम मेजर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उसी करंट को इस एमीटर से ही पास करा देंगे. तो करने का तरीका क्या होगा कि हम एमीटर को उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे. तो एमीटर को कनेक्ट करने का तरीका होता है, या मैंने लिख दिया है कि इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड. और फिर एक लास्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि आइडियल एमीटर उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है. और आइडियल एमीटर उसको बोलते हैं जो कि जो भी करंट हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं उस करंट को वो चेंज ना करे. तो वैसा नहीं करने के लिए उस एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए. वैसे अगर हम वोल्टमीटर की बात करें तो फिर वोल्टमीटर हम यूज करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. और ये एक्चुअली में अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. तो इसको फिर सर्किट में कनेक्ट करने का तरीका क्या होगा कि हम जिस भी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं हम उसके अक्रॉस इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे. तो फिर इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और ये उसकी वैल्यू को मेजर कर देगा. तो इसको हमने इन दोनों पॉइंट्स में लिख रखा है. और आइडियल अगर वोल्टमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए. और आइडियल हम उसको बोलेंगे जिस जो कि सही रीडिंग बताए. सही रीडिंग का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करने से पहले उस सर्किट में रीडिंग थी, अगर मैंने उस रीडिंग को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया, लेट से वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को वो चेंज ना करे. तो वो नहीं चेंज करने के लिए उस सर्किट से कोई करंट नहीं ड्रॉ करना चाहिए. तो पोटेंशियोमीटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं और करंट नहीं ड्रॉ करवाना है तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिट होना चाहिए. तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, यह ध्यान रखना है. एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिट होता है, यह ध्यान रखना है. लेकिन रियलिटी में आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, जिस कारण से ये होता है कि सर्किट में जो भी वैल्यू है, लेट्स से किसी एक करंट की कोई वैल्यू है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, और उसको हम मेजर करने के लिए जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो वो उन वैल्यूज को ही वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा चेंज कर देता है बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस इन द सर्किट. इस कारण से हमें रीडिंग थोड़ी गड़बड़ मिलती है. तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो एक एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये क्वेश्चन पढ़ो. इसमें बोल रखा है कि बैटरी है, EMF 1.4 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम. मैंने सर्किट भी इसका बना रखा है. तो ये सर्किट थोड़ा देख लेते हैं. ऐसा सर्किट है, एक सर्किट देखो कि एक बैटरी 1.4 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और इसके अक्रॉस एक 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है. और फिर हम करंट और वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं अक्रॉस द रेजिस्टर. रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मेजर करने के लिए हम एमीटर और वोल्टमीटर का यूज कर रहे हैं. अच्छा, इसमें लास्ट पार्ट अगर पढ़ोगे तो लास्ट पार्ट में ये पूछा गया है, लास्ट स्टेटमेंट एक बार पढ़ो कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ देवर आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स. तो आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स होने का मतलब ये होगा कि उनकी रीडिंग वही होगी जो कि सर्किट में पहले से थी, बिफोर कनेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट सर्किट में जो रीडिंग हो रही थी. अगर आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स है तो उनको डालेंगे अगर हम सर्किट में तो भी वो वैल्यूज वही बताना चाहिए. तो फिर उसके लिए हम देख लेते हैं कि सर्किट में वैल्यूज है कितनी. तो करंट की वैल्यू कितनी है, तो इसमें करंट अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो करंट की वैल्यू कितनी होगी. ये तो एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें लूप में 1.4 वोल्ट का बैटरी है और टोटल रेजिस्टेंस है 100 बाहर वाले का और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 है. तो ये बन जाएगा. तो इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.013 एम्पियर्स. ये इसकी वैल्यू आ जाएगी. एक बार डिविजन करके देख लेना. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा रेजिस्टर के अक्रॉस, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मैंने अगर पॉइंट्स बना दिए, लेट से एक पॉइंट बना दिया ए और एक पॉइंट बना दिया बी, तो ये वी ए माइनस वी बी यही रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो ये आ जाएगा हमारे पास I इंटू आर. तो ये जो भी करंट की वैल्यू निकाल रखा है 1.4 अपॉन 102, ये करंट की वैल्यू है और इंटू 100 कर देंगे. तो ये वैल्यू एक बार कैलकुलेशन करके चेक करना कि दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 1.37 वोल्ट्स. ये इसकी वैल्यू हो जाएगी.
तो अगर आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स होते तो यही वैल्यूज बताने चाहिए थे, बट ये इसे डिफरेंट वैल्यू बताएंगे, वो अभी हम निकाल के देख लेते हैं। तो इसे बोल रखा है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने कनेक्ट किया है, एक बार पढ़ो कि उनके रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, यहां पे जो एमीटर है उसका एमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 4/3 ओम, और जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम। तो फिर हमने मैंने नया सर्किट बना के रखा है यहां पे कि ऐसा कनेक्शन करेंगे कि वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और फिर उसी ब्रांच में आगे हम सीरीज में एमीटर कनेक्ट कर देंगे। तो अब देखते हैं कि ये रीडिंग्स क्या देगी। तो रीडिंग्स, ये एमीटर तो वही रीडिंग देगा जो करंट उसमें फ्लो कर रहा होगा, तो ये करंट हमें निकालना है, और वोल्ट मीटर वो रीडिंग दूंगा जो कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर ए एंड बी पॉइंट्स ले तो वोल्ट मीटर विल रीड वी ए माइनस वी बी एंड एमीटर विल रीड द वैल्यू ऑफ आई। तो अब ये वैल्यू निकालने के लिए हम सर्किट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहले तो क्या होगा कि ये वोल्ट मीटर और ये 100 ओम ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्वल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 200 × 100 / 200 + 100, ये हो जाएगा 200/3 ओम, इनका रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो ओवरऑल सर्किट में अगर रेजिस्टेंस देखे उसको यूज करके करंट आ जाएगा, तो करंट आ जाएगा 1.4 EMF है अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 200/3 प्लस एमीटर का है 4/3 और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस है 2, तो ये आ जाएगा 1.4 अपॉन, नीचे अगर देखोगे तो 204/3 कितना हो जाएगा, वो 68 हो जाएगा, 68 और प्लस 2 यानी कि आ रहा है 1.4/70, तो ये कितना बन जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो 0 हो जाएगा और फिर ये 100 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि करंट की वैल्यू हो जाएगी 2/100 यानी कि 0.02 एम्पियर, ये करंट मेजर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर होगा, तो उसके लिए हमें वी ए माइनस वी बी निकाल लेना है। तो वी ए माइनस वी बी का अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखूं 200 ओम और 100 ओम का, तो दैट इज 200/3, तो करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 0.02 ये करंट है और इनटू 200/3, तो ये कितना आ रहा है, दिस विल कम आउट टू बी 4/3 यानी कि 1.33 वोल्ट्स, ये होगा। तो रीडिंग क्या आया, एमीटर का रीडिंग जो आया वो 0.02 एम्पियर आया। अच्छा, ओरिजिनल रीडिंग क्या थी, सही रीडिंग क्या होती, सही रीडिंग तो 0.013 थी, ये हमने ऊपर निकाला था ना, 0.013 थी, तो ये थोड़ी गलत रीडिंग देता है एमीटर। क्यों देता है, बिकॉज उसको जैसे हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाता है, तो फिर हमें एक डिफरेंट रीडिंग मिलती है। वैसे ही सही वोल्टेज की रीडिंग क्या थी, 1.37, यहां पे वोल्टेज की रीडिंग 1.33 है। तो रियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके अगर हम सर्किट में वैल्यूज मेजर करते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी डेविएटेड होती है, ठीक है। चलो फिर एक हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी को यूज करके फिर हम एमीटर या वोल्टमीटर बनाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर करता क्या है, तो वो एक स्मॉल करंट मेजर करता है, स्मॉल करंट, तो स्मॉल करंट यानी कि मिली एम्पियर्स या माइक्रो एम्पियर्स में करंट मेजर करता है। इसीलिए काफी बार क्वेश्चंस में देखोगे तो गैल्वेनोमीटर को माइक्रो एमीटर या फिर मिली एमीटर ऐसा लिखा रहता है, तो ऐसा मैं लिख देता हूं यहां पे कि माइक्रो एमीटर भी बोलते हैं या फिर मिली एमीटर भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उसका रेंज क्या है मिली एमीटर। तो कभी कभी क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर की बजाय यह भी लिखा रहता है, माइक्रो एमीटर या मिली एमीटर। तो यहां पर मैंने डायग्राम दिखा रखा है, तो इसमें भी अगेन एक पॉइंटर होता है जो कि पॉइंटर रोटेट करता है, रोटेट करके एक मार्क पे जाता है, और इसके पीछे वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो इस गैल्वेनोमीटर में जब करंट पास करता है तो इस करंट को हम गैल्वेनोमीटर के अंदर एक लूप में फ्लो करा देते हैं और अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर एक टॉर्क लगता है और टॉर्क के कारण रोटेट करता है, और फिर यहां पे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है, अंदर एक टॉर्शनल वायर लगा के रखते हैं जो कि एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, सो दैट हमें एक इक्विलिब्रियम मिल जाए, और वो इक्विलिब्रियम जहां पे मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम मार्किंग कर देते हैं करंट्स की। तो फिर अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो फिर ये जीरो रीडिंग होगा, तो यहां पे लेट से ये जीरो वाला मार्क है, और करंट अगर लेफ्ट में फ्लो करेगा तो ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, करंट अगर राइट में फ्लो करेगा तो ये राइट की तरफ रोटेट करेगा। जिस करंट के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा उसको अगर हम IF बोल रहे हैं, तो IF ये बेसिकली करंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, यानी कि इतना करंट अगर इसमें फ्लो करेगा तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इससे ज्यादा करंट फिर ये गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर सकता है। तो इससे ज्यादा अगर करंट मेजर कराना है तो फिर हम इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं, तो उसमें डायग्राम यहां पर दिख रहा है। तो लेट से हमारा यहां पर काम क्या है, अच्छा इसमें जो जी दिखा रखा है ना, ये जी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी आगे डिस्कशन में रिप्रेजेंट करेंगे, टू रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसके लिए हम जी सिंबल यूज करेंगे।
तो यहां पे ये जी दिखा रखा है, इसका रेजिस्टेंस है। एक आर हम शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना है, और इसका अगर हम रेंज चाहते हैं एमीटर का जो रेंज चाहते हैं वो अगर हम जीरो से आई चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिले करंट आई एंटर करने पे, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में तो आईएफ से मिल जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि अगर एमीटर में करंट आई आए तो उसके करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला चला जाए और बचा हुआ करंट एक दूसरे ऑल्टरनेट रास्ते से चला जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक हम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं जिसको हम शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यह शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि हम अपना रेंज कितना रखना चाहते हैं। तो निकालने के लिए मैंने अभी जो दो पॉइंट्स मार्क किए हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं, एक बार ऊपर वाले रास्ते से लिख देते हैं और एक बार नीचे वाले रास्ते से लिख देते हैं। तो ऊपर वाले रास्ते से कितना आएगा, उसमें करंट आईएफ है और उसका रेजिस्टेंस अगर जी है तो आईएफ इंटू जी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और नीचे वाले रास्ते में फिर करंट जा रहा है आई माइनस आईएफ और इंटू आर। तो यहां से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, दिस आर, इस आर को हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसकी वैल्यू यहां से निकल जाएगी, इस आर को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्वेशन बनेगा। तो इसमें आईएफ तो हमारे पास गिवन है कि गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो गिवन होता है क्वेश्चन में, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन होता है क्वेश्चन में, और हमें एक रेंज पूछ दिया जाता है कि इस रेंज का अगर एमीटर बताना है तो बताओ कि शंट रेजिस्टेंस कितना लगाए। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम लगा लेंगे। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हम लगाएंगे उससे फिर गैल्वेनोमीटर में करंट डिसाइड हो जाएगा। तो इस बार अगर हम वोल्ट मीटर जो बनाना चाहते हैं, अगर इसका रेंज हम जीरो से वी रखना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर हम वी वोल्टेज के अक्रॉस इसको कनेक्ट करेंगे तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिले, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिले फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। और गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो होता है फॉर करंट आईएफ, अगर हम आईएफ बोल रहे हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि इसके अक्रॉस अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो इसमें करंट आईएफ फ्लो करे। तो वो करने के लिए हम इसके साथ एक आर में, इसके साथ एक सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं आर, और वो आर की वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम इक्वेट कर देते हैं करंट जो कि आईएफ फ्लो कर रहा है और इनटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और प्लस जो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से इस आर की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, ये आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसका कुछ अलग से वैसे नाम नहीं होता है, इसको बस हम एक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रेंज, डिपेंड्स ऑन कि रेंज हम क्या चाहते हैं। तो रेंज अगर हम वी चाह रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वर्किंग ध्यान रखना है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि ये फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि दोनों ही केसेस में तुम्हें गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन कराना है। तो वो कराने के लिए एमीटर में अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के अलावा जो करंट है उसको एक बाईपास रास्ता दे दो, उसको हम शंट रेजिस्टेंस बोल देते हैं, और वोल्टमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो भी वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग चाहते हो तो उतना वोल्टेज मेंटेन करा लो और उसके लिए एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर लो। तो इस पूरे जो डॉटेड डब्बे के अंदर है ना, इस पूरे को हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, ऊपर में भी जो डॉटेड डब्बे के अंदर उस पूरे को हम एमीटर बोलते हैं। क्वेश्चन करने के लिए एक तो मैंने यहां पे इलस्ट्रेशन दिखा रखा है, तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला लगा रहे हैं जो ऊपर है, तो इसको तो एक बार खुद से पढ़ लेना। अभी हम मैंने थोड़ा इलस्ट्रेशन के लिए दे रखा है, इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है कैसे करना है, जो बोला है वो फिर से लिखा हुआ है। अभी हम क्लास में क्वेश्चन कर लेते हैं वो वाले जो कि एग्जाम में आए हैं। तो एक ये देखो, ये 2020 मेंस में आया है, सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ के समझ लो पहले। गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट 1 मिली एम्पीयर इज पास थ्रू इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस व्हिच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर गिविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे ये सोचो वैसे ही तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने क्या किया होगा कि सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होगा। तो गैल्वेनोमीटर ऐसा है और इसके साथ हमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होगा और यही हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम्स और इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखा है 1 मिली एम्पीयर्स, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। तो हम चाहते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम वी लगाएं, रेंज वी का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस हम वी लगाएं, तब इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो यही 1 मिली एम्पीयर फ्लो करना चाहिए। तो फिर अब हमें क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस वो दे रखा है कि हम चाहते हैं 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाना चाहते हैं, तो 10 वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाहते हैं, यानी कि तरह से 0 से 10 वोल्ट इसका रेंज हो जाएगा। तो बस इक्वेशन बना लेंगे कि करंट 1 मिली एम्पीयर फ्लो कर रहा है, दैट मींस 10^-3, और रास्ते में रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 100 ओम हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और प्लस जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा इक्वल्स टू 10। तो ये सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया,
100 प्लस आर, अगर तुम इस 10 टू पावर माइनस 3 को उधर ले जाओगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये आर आ जाएगा, 10,000 है ये, और माइनस 100 ये हो जाएगा 9,900 ओम्स हो जाएगा. तो अगर किलो ओम्स में देखोगे तो ये ऑप्शन वन हो जाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन है. एक देख लेते हैं एमीटर में कन्वर्जन वाला. गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो फिर से क्वेश्चन पढ़ो और हमेशा थोड़ा डायग्राम बना लो, विजुलाइजेशन के लिए ठीक होता है. की बोल रखा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम और मैक्सिमम करंट जो कि उसे पास करा देते हैं वो ये, यानी कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है. और फिर इसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, रेंज है 0 से 0.5 एम्पियर. तो फिर याद करोगे कि गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर कैसे बनाते हैं, तो उसके पैरेलल में एक हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं. उसके पैरेलल में इस गैल्वेनोमीटर का 50 ओम रेजिस्टेंस है और 0.002 इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है. हम चाहते क्या है, हम इसको इसका रेंज बनाना चाहते हैं 0.5 एम्पियर, यानी कि 0.5 एम्पियर मैं इसे अगर भेजूं तब मुझे फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए. तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर में तो करंट यही वाला फ्लो होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए यही वाला फ्लो करना पड़ेगा. तो बचा हुआ फिर हमें इधर से फ्लो कराना पड़ेगा. तो उसके लिए आर कितना होगा, तो इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा 0.5 माइनस 0.002 ये आ जाएगा. अब क्या करोगे, तो फिर तुम गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार ऊपर वाले रास्ते से लिखो और एक बार नीचे वाले रास्ते से लिखो और इक्वेट कर दो. तो ऊपर वाले रास्ते में करंट कितना गया है, 0.002 करंट गया है. रेजिस्टेंस कितना है, तो गैल्वेनोमीटर का 50 ओम है. नीचे वाले रास्ते में करंट कितना गया है, तो 0.5 माइनस 0.002 और रेजिस्टेंस हमें निकालना है, उसको हमने आर लिख दिया. तो ये बन जाएगा इक्वेशन. अच्छा, इसमें थोड़ा एक्चुअल कैलकुलेशन करने से पहले ऊपर देखो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस कोई क्लोज दिख रहा है क्या, क्लोज नहीं दिख रहा ना, ऑर्डर का फर्क है. तो तुम क्या करो कि फिर इसको सेकंड वाला जो टर्म है उसको निग्लेक्ट ही कर दो. इसमें जो ये वाला टर्म है ना इसको निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत छोटा एज कंपेयर टू द फर्स्ट टर्म और ऑप्शन पास पास तो दिख नहीं रहे. तो फिर मैं बस ये बोल दूंगा कि यहां पर आ जाएगा 0.002 इंटू 50 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और इंटू 50 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 और इंटू आर. तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी, क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स और यहां पे ये आ जाएगा आर की वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.2. 10 टू पावर माइनस 2 है, एक 10 से मल्टीप्लाई हो तो 10 टू पावर माइनस 2 बन जाएगा इधर और उधर 10 टू पावर माइनस 1 है तो 10 टू पावर माइनस 1 रह जाएगा, तो 0.2. तो ये फिर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. तुम ऐसे क्वेश्चंस में आएगा तो तुरंत थोड़ा सा सर्किट बना लो कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्जन का सर्किट क्या होता है. तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं. वोल्टमीटर वाला सर्किट क्या होता है, तो हम सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद इक्वेशंस बना लो बस. एक ही क्वेश्चन देखो. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है बिकॉज इसमें एक टर्म यूज किया है, फिगर ऑफ मेरिट. फिगर ऑफ मेरिट ये टर्म यूज किया है. तो बहुत सारे बच्चे ये टर्म देख के ही एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं. बट मान लो ये टर्म तुमने पहले अगर नहीं भी सुना है तो फिर ये देखो कि इसका यूनिट क्या है. हमेशा टर्म्स का यूनिट से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि है क्या. तो इसका यूनिट अगर देखोगे तो एम्पियर पर डिवीजन है. एम्पियर पर डिवीजन यानी ये बता रहा है कि गैल्वेनोमीटर में पर डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट बढ़ना चाहिए, ये बता रहा है. और गैल्वेनोमीटर में दे रखा है 30 डिवीजन है. तो इन दोनों चीजों को यूज करके तुम्हें गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिल जाएगा. वो कैसे मिलेगा, तो फिगर ऑफ मेरिट ये डेफिनेशन होता है. बट मान लो तुम्हें नहीं पता था डेफिनेशन, तो ये एम्पियर पर डिवीजन से मुझे आइडिया लग गया. तो 0.005 एम्पियर पर डिवीजन इनटू 30 डिवीजन है, तो इतना एम्पियर इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है, तो ये कितना बनेगा, तो ये आ जाएगा 0.15 आ जाएगा ना, 0.05 एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.05 इनटू 3 तो 0.15 ये आ जाएगा, इतना एम्पियर इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है. अब इसको हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है और 15 वोल्ट उसका रेंज चाहिए. तो अगर थोड़ा कंफर्टेबल हो गया तो मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि 15 वोल्ट रेंज का मतलब 15 पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के लिए इतना करंट फ्लो करना चाहिए और रेजिस्टेंस रास्ते में कितना मिलेगा, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, तो 20 और प्लस आर हमें पता करना है. ये बन जाएगा इक्वेशन. तो इसको अगर कैंसिल करोगे तो 100 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 20 यानी कि 80 ओम्स. तो ऑप्शन डी हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये गैल्वेनोमीटर से कन्वर्जन वाले. एक ये देखो, ये वैसे डायरेक्टली तो नहीं है एमीटर और वोल्टमीटर का, बट इसका सेटअप कुछ वैसा ही है. तो ये अच्छा क्वेश्चन, इसको एक बार देखते हैं. बोल रखा है कि द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन व्हेन की K1 इज क्लोज्ड. ये की K1 क्लोज्ड है, तो क्लोज को मैं डॉट से दिखा दे रहा हूं.
और के टू ओपन है तो फिर इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन वो थीटा नॉट है, थीटा नॉट है, और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है ना, डिफ्लेक्शन वो प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, कि जितना करंट होगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा, प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी पहले अगर हमने के टू ओपन रखा है, के टू ओपन अगर रखा है तब जो करंट फ्लो कर रहा होगा, के टू अगर ओपन है तो देखोगे तो करंट किधर फ्लो करेगा, बैटरी से जो भी करंट निकलेगा एक ही रास्ता है गैल्वेनोमीटर से होकर जा रहा, ऊपर तो करंट जा नहीं सकता है। तो इसमें जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा उसको अगर मैं लेट से आई वन लिख रहा हूं तो आई वन की वैल्यू हो जाएगी थीटा, अगर डिफ्लेक्शन है थीटा नॉट तो वो प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट होगा, तो उसको मान लो मैं के इंटू थीटा नॉट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से इतना करंट फ्लो कर रहा होगा। अब अगर के टू क्लोज कर देंगे, के टू क्लोज्ड, तो अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, लेट से उसको मैं आई वन डैश बोल देता हूं, अब जो I1 मैं बोल रहा हूं इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाले करंट को I1 बोल रहा हूं, तो अब K2 अगर क्लोज कर देंगे, देखो क्लोज होगा तो क्या होगा, तो अब ऊपर भी करंट जाएगा, तो इधर के भी कुछ करंट जाएगा, इसको अगर मैं I2 बोल देता हूं तो यहां से कुछ करंट आया होगा और जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से जाने वाला करंट वो पूरा I1 में नहीं जाएगा, तो I1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो वो बोल रखा है कि डिफ्लेक्शन अब थीटा नॉट बाई फाइव हो गया, तो ये हो जाएगा कुछ के इंटू थीटा नॉट अपॉन फाइव, ऐसा आ गया। अब करंट्स को हम सर्किट के टर्म्स में लिख लेते हैं, सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, तो अगर मान लो बैटरी का वोल्टेज V है, तो इनिशियली जो केस रहा होगा उसमें करंट कितना फ्लो किया होगा, तो करंट सिर्फ बैटरी से निकल रहा है और नीचे वाले ब्रांच से ही जा रहा है, बिकॉज अभी K2 ओपन है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने अगर G मान लिया है तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा V अपॉन 220 और प्लस G, V पोटेंशियल डिफरेंस है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और सर्किट में एक और रेजिस्टेंस R1 है, तो ये बन जाएगा इक्वेशन। दूसरा वाले केस में अगर देखोगे तो अब ऊपर वाला ब्रांच भी आ जाएगा, अब ऊपर वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस दे रखा है कि वो रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो पहले वो R2 और G पैरेलल में होंगे, तो R2 और G ये पैरेलल में होके कितना बन जाएगा, मैं अगर इसको इधर लिख रहा हूं, R2 और G अगर पैरेलल होके कितना बन रहा है ये लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा R2 है 5, तो 5 इंटू G अपॉन 5 प्लस G, और इसके साथ फिर R1 जो 220 ओम है वो सीरीज में होगा, तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, V अपॉन 220 और प्लस 5G अपॉन 5 प्लस G। अच्छा, ये करंट होगा जो बैटरी से निकलेगा, अब इसमें से गैल्वेनोमीटर में कितना जाएगा, तो पैरेलल में अगर ब्रांचेस होते हैं रेजिस्टर्स के तो फिर करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, तो गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जो होगा उसमें R2 वाला आएगा, तो उसमें बन जाएगा 5 अपॉन टोटल 5 प्लस जी, तो ये करंट फ्लो करेगा और ये करंट की वैल्यू जो है वो के इंटू थीटा नॉट अपॉन 5 है, तो यहां से रेशियो लोगे तो वो के थीटा नॉट कैंसिल हो जाएगा, वी भी कैंसिल हो जाएगा, ये सब गिवन नहीं था, तो वहां से जी की वैल्यू निकल आएगी, सिर्फ जी वेरिएबल होगा वो निकल आएगा, तो इसको कैलकुलेशन करके निकाल लेना, आंसर यहां पे मैंने लिख रखा है। सारे क्वेश्चंस में जहां पे कैलकुलेशंस मैं लास्ट तक नहीं करूंगा, तो उसको तुम्हें खुद से करना है और आंसर्स वेरीफाई करने हैं, हर क्वेश्चन में मैंने आंसर मेंशन कर रखा है। एक ये देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ये भी आया है मेंस में, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोल रखा है कि 100 ओम है, 50 डिविजन ऑन इट से स्केल है और सेंसिटिविटी ये दे रखा है, तो अब देखो अब इस बार टर्म कुछ और यूज कर लिया उसी चीज के लिए सेंसिटिविटी, बट फिर से यूनिट देखो तो यूनिट है माइक्रो एम्पियर्स पर डिविजन, 20 माइक्रो एम्पियर्स पर डिविजन है, यानी इसको यूज करके तुम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकाल सकते हो आईएफ, ये कितना हो जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर्स यानी 10 टू द पावर माइनस 6, 20 माइक्रो एम्पियर्स पर डिविजन है और इंटू नंबर ऑफ डिविजन देखोगे तो 50 है, तो इंटू 50 हो जाएगा, तो इतना एम्पियर्स ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो जाएगा, कि पर डिविजन जितना करंट चाहिए, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब सारे डिविजन वो पहुंच जाए पॉइंट, सारे डिविजन को क्रॉस कर ले तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डिविजन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा 50 इंटू 20 करेंगे तो 1000 हो जाएगा ना, तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 बन जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर्स ये करंट आ जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ये है। अब इसमें हम एक ही बार में ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसमें कि टर्मिनल्स अगर हम अलग अलग यूज करेंगे तो हमें अलग अलग रेंज का वोल्टमीटर मिल जाएगा, तो उसके लिए टर्मिनल्स कैसे रखने चाहिए और उसमें हमें रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए, उसका हमें ढूंढना है। अच्छा, उसमें अगर तुम ए बी सी में देखोगे तो रेंज बढ़ रहा है राइट की तरफ जा रहे हो, ए बी और डी में, सी में देखोगे तो राइट की तरफ जा रहे हो तो रेंज घट रहा है, तो ये तो गड़बड़ी है ना, ये तो गलत ही दिख ही रहा है कि गलत है, क्योंकि जैसे जैसे तुम राइट में जाओगे रेंज का मतलब क्या होता है कि उतने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो करे। तो अगर राइट में जा रहे हो तो मान लो अगर एक एक है कि मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि मैंने एक टर्मिनल पिंक वायर लिया है और एक टर्मिनल 20 वायर ले लिया, तो ये पहला केस हो गया, तो बोल रखा है कि रेंज 20 वोल्ट्स मिलेगा, और एक अगर मैं लेफ्ट वायर ले रहा हूं और फिर दूसरा टर्मिनल में अगर ये 20 को हटा दूं और टर्मिनल अगर मैं 2 वोल्ट वाला ले रहा हूं,
तो टू वर्ड का मतलब यह कि तुम अगर ये टर्म लोगे तो फिर टू वर्ड मिलेगा, तो ये तो सही नहीं है ना, बिकॉज अगर मैं सबसे लेफ्ट और सबसे राइट वाला टर्म ले रहा हूं तो अब तो रेजिस्टेंस रास्ते में आर वन आर टू आर थ्री तीनों आ जाएंगे, तो अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट फ्लो करेगा और अगर रेजिस्टेंस तीनों आ गए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ गया होगा ना, तो रेंज ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है कि जैसे राइट जा रहा हूं वैसे ही रेंज बढ़ रहा होगा। तो अब बाकी ए बी डी में तुम्हें सही रेजिस्टेंस की वैल्यू पहचाननी है, तो उसके लिए करोगे कि पहले है कि तुमने एक टर्मिनल तो हमेशा सबसे लेफ्ट वाला रखा है और राइट वाला फर्स्ट टर्मिनल लोगे तो तुम्हें दो वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि अगर रास्ते में देखोगे तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो करना चाहिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 10^-3, और अगर 2 वोल्ट वाला टर्मिनल, इसका मतलब ये कि करंट यहां से फ्लो करेगा और इधर से इधर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बाकी दोनों टर्मिनल्स का कोई रोल ही नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट मिलना चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2 = 10^-3, ये करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है 100 और प्लस हमें R1 अगर कनेक्ट करना है ये पता करना है, ये आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा 2000 = 100 + R1, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 1900 ओम। तो ये दिख रहा है बी और डी में दिख रहा है, ये तो गड़बड़ है, ए वाला नहीं है। अब दूसरा R2 देखे, तो R2 के लिए मान लो मैं दूसरा एक सर्किट दिखा दूं, दूसरा सर्किट में मान लो एक ये टर्मिनल है, R2 का मतलब है कि ये वाला टर्मिनल है 10 वोल्ट वाला, अगर दूसरा रेंज अगर हम ले 10 वोल्ट वाला, तो उसमें ये होगा कि करंट ऐसा फ्लो करेगा और इसको रास्ते में गैल्वेनोमीटर मिलेगा, R1 मिलेगा, R2 मिलेगा, सिर्फ यही दोनों काम के हैं, बाकी दोनों टर्मिनल्स का कोई रोल नहीं, अगर मैं ये दोनों टर्मिनल्स यूज कर रहा हूं, और रेंज चाहिए 10 वोल्ट, तो यानी कि डिफ्लेक्शन के लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए फिर से 10^-3 एम्पेयर करंट फ्लो करना चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनेगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस है 10, तो 10^-3, रास्ते में क्या मिलेगा, गैल्वेनोमीटर मिलेगा 100 वाला, ये R1 मिलेगा 1900 वाला, और फिर एक R2, वो हमें पता करना है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां से अगर करोगे तो 10^-3 को इधर लाओगे तो यहां से 10,000 हो जाएगा, 10,000 = 2000 और प्लस R2, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 8000। तो R1 R2 हम प्रॉपरली निकाल रहे हैं, ठीक है। टर्मिनल्स अगर मान लो तीसरा वाला यूज करो तो उसके लिए मैं डी वाला ऑप्शन दिखा दे रहा हूं, मैं अभी ऑप्शन से बस टर्मिनल्स दिखा रहा हूं कि दो टर्मिनल्स होने का मतलब क्या है। तो यहां पे अगर 20 वोल्ट्स वाला रेंज चाहिए तो तुम्हें ये दोनों टर्मिनल्स यूज करना पड़ेगा जो मैं डी ऑप्शन में दिखा रहा हूं, तो उसके लिए करंट जो फ्लो करेगा कुछ ऐसा जाएगा, तो इसको रास्ते में सारे रेजिस्टेंसेस मिल जाएंगे, और फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट तो 10^-3 ही फ्लो करना चाहिए। तो इक्वेशन बन जाएगा, 20 वोल्ट रेंज है तो 20 = 10^-3, रास्ते में क्या मिलेगा, 100 मिलेगा गैल्वेनोमीटर, R1 मिलेगा 1900, R2 हमने निकाला 8000, और प्लस एक और रेजिस्टर R3 चाहिए, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस टोटल 20 हो जाए। तो इसके लिए 10^-3 इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा 20,000, राइट में क्या मिल रहा है, ये 10,000 मिल रहा है, 10,000 और प्लस R2, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 10,000। तो ये तीनों R1 R2 R3 की सही वैल्यूज ये होंगी टू गेट 3 डिफरेंट रेंजेस फ्रॉम दिस सेटअप। तो उसके लिए सही ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो वो ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और ये जेईई मेन में 2019 में आया था। तो इसमें हमने शुरू में ही अगर R1 R2 R3 ऐसे प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लिया तो हम जैसे नॉर्मल वोल्टमीटर में क्या होता है कि अगर हमने एक नॉर्मल सा वोल्टमीटर बनाया तो उसमें अगर हम रेंज चेंज करना चाहेंगे तो हमें उस रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे क्या किया ऐसे सेटअप में कि हमने शुरू में ही R1 R2 R3 ऐसा सिलेक्ट कर लिया सो दैट मैं सिर्फ टर्मिनल चेंज करूंगा और मुझे अलग अलग रेंज मिल जाएगा। तो दिस इज अ गुड वे ऑफ क्रिएटिंग अ मल्टीपल रेंज वोल्टमीटर। चलो अब आ जाते हैं हम अगले इंस्ट्रूमेंट पे जो कि है पोटेंशियोमीटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जनरली बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं। तो इसको यूज करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, वो यहां पे लिख रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस यूज करने के लिए तो वोल्टमीटर भी यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो फिर पोटेंशियोमीटर में ऐसी क्या खास बात है? तो खास बात यह है कि यह करेक्ट मेजरमेंट देता है अनलाइक वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमने देखा कि वोल्टमीटर जिस भी रीडिंग को हम मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज करते हैं, वोल्टमीटर उस रीडिंग को ही मॉडिफाई कर देता है क्योंकि उस सर्किट में करंट को चेंज कर देता है, जबकि पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं करेगा, पोटेंशियोमीटर बिल्कुल सही रीडिंग देगा। तो इसमें क्या करते हैं कि मान लो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कोई मेजर करना है, वो यहां पे मैंने दिखा रखा है डब्बे में कि ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो यहां पे हम एक सर्किट बनाते हैं, इसको हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट या पोटेंशियोमीटर सर्किट बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। इस सर्किट में ऊपर एक सेल होता है, इस सेल का ईएमएफ ई है, मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस आर हमने दिखा लिया, तो ये दोनों
अलग भी हो सकता है, या लेट से हमने बैटरी को ही इंटरनल रेजिस्टेंस वाला दिखा दिया, तो इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग सेल है सर्किट का। और यहां पे जो वायर है इस वायर को हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ये बेसिकली एक हाई रेजिस्टेंस वायर होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। तो इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और इसका रेजिस्टेंस मान लो हम लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं कैपिटल आर, और इसका लेंथ, लेंथ ले लेते हैं टोटल एल ले लेते हैं, ऐसा कुछ है। तो फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो भी मेजर करना है ना, उसको एक एंड जो लोअर पोटेंशियल वाला एंड है उसको कुछ इधर वाले एंड पे कनेक्ट कर दिया, हायर पोटेंशियल वाले एंड को हमने एक स्लाइडिंग जॉकी की मदद से इस पोटेंशियोमीटर वायर पे टच कराया, और टच करा करा के उस जॉकी को मूव करते करते हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया। और नल पॉइंट का मतलब ये होता है कि वैसा पॉइंट जहां पे इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं फ्लो करा, यानी कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, तो करंट इसमें जीरो हो जाए। तो जिस समय नल पॉइंट आ चुका है यानी कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो ऊपर वाला जो सर्किट है वो अपना एक इंडिपेंडेंट सर्किट बन गया, कि ऊपर वाले सर्किट से नीचे में कहीं करंट ही नहीं जा रहा है, तो अपना इंडिपेंडेंट सर्किट है। तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा होगा, ये करंट कितना फ्लो करेगा आई, तो ये आई फ्लो कर जाएगा। हमने अगर जो भी लिख रखा है तो एक ईएमएफ ऊपर ही दिख रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, पोटेंशियोमीटर वायर का आर और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये आ जाएगा करंट। और ये करंट अगर यूज करके हम इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता कर ले, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर वी ए माइनस वी बी, तो हो जाएगा टोटल करंट और इंटू आर, करंट जो फ्लो कर रहा है और इंटू टोटल ए से बी तक का रेजिस्टेंस। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर है ना, ये पोटेंशियल वायर में यूनिफॉर्म होगा, यानी कि ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा होगा, और वो पोटेंशियल घट रहा होगा लीनियर तरीके से। क्यों लीनियर तरीके से, बिकॉज अगर मैं ए से एक्स डिस्टेंस दूर तक जाके पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूं, तो हो जाएगा करंट इंटू उतने दूर का रेजिस्टेंस, और उतने दूर का रेजिस्टेंस एक्स पर डिपेंड करेगा लीनियरली, रो एल बाई ए, तो रो एक्स बाई ए हो जाएगा वो। तो ये पोटेंशियल यूनिफॉर्म तरीके से घट रहा होगा ऑन द वायर। तो फिर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये डिफाइन करते हैं। और इसको मान लो मैं वी एल बोल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को वी एल बोल रहा हूं, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी अपॉन L हो जाएगा, अगर हमने टोटल लेंथ L ले रखा है तो ये हम निकाल लेते, जो कि क्या हो जाएगा यहां पे, यहां पे जो भी हमने आई आर निकाला होगा, आई आर अपॉन L, ये आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ये है, तो फिर x डिस्टेंस के करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, उससे हमें VC माइनस VB पता चल जाएगा, VC माइनस VB, VC माइनस VB, तो यहां पे VC माइनस VB क्या आ जाएगा, VC माइनस VB विल बी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ और इनटू x। इस एक्स को हम बोलते हैं, दिस एक्स इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग लेंथ, इसको हम बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं, मैं इधर कहीं लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ, यानी कि इतने लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर से ये पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हो गया जिसको हम मेजर करना चाहते थे। तो वीसी माइनस वीबी वीएल इंट एक्स हो जाएगा, और यही हो जाएगा जिन पॉइंट्स के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते थे। मान लो इसको अगर मैं पी और क्यू बोल दे रहा हूं, तो ये VC VP के बराबर होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो C और P सेमी पोटेंशियल पे होंगे, वैसे ही B और Q भी सेमी पोटेंशियल पे होंगे, बिकॉज BQ वाले ब्रांच में भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो VC माइनस VB इज सेम एज VP माइनस VQ, जो कि हमें मेजर करना चाहता था, तो ये आ जाएगा VL into X। तो ये VL पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, वो पहले हम प्राइमरी सर्किट से निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम इस बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आ जाएगा कि पोटेंशियोमीटर वायर के जो बैलेंसिंग लेंथ था उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, और बैलेंस अगर हुआ है नीचे वाला पोटेंशियल डिफरेंस उतने लेंथ से, तो फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी वही है। तो ये तरीका होता है पोटेंशियोमीटर वायर को यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। अब फायदा ये होता है कि ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं ना, मान लो ये कोई एक रजिस्टर था, लेट से पी एन क्यू के बीच में कोई एक रजिस्टर कनेक्टेड था किसी एक और सर्किट का, तो अगर नल पॉइंट हमने ढूंढ लिया, दैट मीन्स इन दोनों सर्किट्स में कोई भी करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल सर्किट था उस सर्किट में बिना करंट चेंज हुए ही हमने ये रीडिंग निकाली है, तो ये बिल्कुल सही रीडिंग होगी जो कि हमें निकालनी थी। वोल्टमीटर तो क्या कर रहा था, उसका करंट ही चेंज कर देता था, इस कारण से रीडिंग चेंज हो जाता था, तो ये पोटेंशियोमीटर बिल्कुल सही रीडिंग देता है। चलो अब इसको एप्लीकेशन करके एक ये देख लेते हैं,
एक देखो, अब इस पे पोटेंशियोमीटर का बेसिक फंक्शनिंग है, बट क्वेश्चंस थोड़े वेरिएशन अलग अलग पूछते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सेटअप तुम्हें ध्यान होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर दे रखा है 1200 सेंटीमीटर और करंट दे रखा है उसमें 60 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जो प्राइमरी सर्किट होगा उसमें कुछ ये करंट की वैल्यू दे रखा है। और फिर बोल रखा है कि असल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, नल पॉइंट दे रखा है 100 सेंटीमीटर है। तो मान लो ऐसा हमने सर्किट बना लेते हैं थोड़ा, कि ये हमारे पास ड्राइविंग सेल था, ये पोटेंशियोमीटर वायर था। अच्छा, अभी हमने राइट में कनेक्ट करके दिखाया, हम लेफ्ट में भी कनेक्ट कर सकते हैं कि यहां पे मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास सेल है, और इस सेल को फिर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा के और एक नल पॉइंट ढूंढ लिया होगा। और ये नल पॉइंट क्या आया, इसमें टोटल लेंथ 1200 सेंटीमीटर था, नल पॉइंट आया है 1000 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो फिर यहां पे ये हम लिख लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, तो ये ए पॉइंट बोल दिया, इसको हमने राइट वाले को बी बोल दिया, और मान लो ये नल पॉइंट है, इसको हम एन बोल दे रहे हैं, और नल पॉइंट का मतलब है कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। अच्छा, तो वी ए माइनस वी एन कितना होगा, वी माइनस वी एन, तो ये नीचे वाले बैटरी से अगर देखेंगे तो वी ए माइनस वी वन इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होने के बावजूद, चूंकि ये बैटरी में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो रियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है लेकिन करंट अगर नहीं फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होगा। तो इसका ईएमएफ 5 है, तो वी ए माइनस वी एन ये 5 के बराबर हो जाएगा। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमें दे रखा है, तो वी ए माइनस वी एन को हम करंट इंटू वहां से लेके ए से लेके एन तक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी एन को करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए एन पार्ट लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे टोटल वायर का बोल रखा है कि 1200 सेंटीमीटर लेंथ है, तो अगर 1200 सेंटीमीटर लेंथ के करस्पॉन्डिंग अगर रेजिस्टेंस टोटल मान लो आर है, यही आर हमें निकालना है, तो 1000 सेंटीमीटर लेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये बैलेंसिंग लेंथ 1000 सेंटीमीटर है ना, ये 1000 सेंटीमीटर है ए से एन तक का डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा आर अपॉन 1200 और इन 2000, यानी ये आ जाएगा 5R/6, ये आ जाएगा। तो यहां पे करंट दे रखा है हमारे पास 60 मिली एम्पियर, तो 60 × 10⁻³ और इंटू आर ए एन हो जाएगा 5R/6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से फिर हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा, कि लेट से हमने इस 0 से 10⁻², बाकी तो ये 5 कैंसिल हो गया, ये 6 कैंसिल हो गया, ये 6 10 कैंसिल हो गया, तो और 10 से मल्टीप्लाई होकर यहां से आर की वैल्यू आ रही है 10⁻², लेफ्ट में है तो राइट में अगर जाएगा तो ये 100 बन जाएगा, तो आर की वैल्यू 100 ओम। तो ये सेटअप पोटेंशियोमीटर वाला था, बट इसका फिर यूज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कैसे किया, तो वो बैटरी का ईएमएफ मिल गया कि ए और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा, और उसके बाद तो फिर नॉर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने आईआर यूज कर लिया। तो पोटेंशियोमीटर पे काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन होता है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालने के लिए। तो ईएमएफ निकालने के लिए तो अभी जो पहले वाला सर्किट था वही था कि बैलेंसिंग लेंथ हमने ढूंढ लिया, मान लो एल है बैलेंसिंग लेंथ, तो इसमें पहले वही करेंगे कि ये वाला जो टर्म है ना, यहां पर ये वाला जो टर्म है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है, कि मान लो पहले हमने ऐसा सर्किट बनाया, ये वाला सर्किट बनाया और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ वीएबी माइन अपॉन एल हो जाएगा, और ये वीएबी निकालने के लिए इस वाले सर्किट का कुछ लेट से हमने ड्राइविंग सेल का ई डैश और आर डैश यूज करके वो निकाल लेंगे, तो वी अपॉन वी ए बी अपॉन एल ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, और इंटू एल वन कर लेंगे तो वो हो जाएगा ए और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच में, और ए का पोटेंशियल जो होगा मान लो अगर मैं नीचे में पी और क्यू बोल देता हूं, तो ए का पोटेंशियल पी के बराबर होगा और जे का पोटेंशियल क्यू के बराबर होगा, बिकॉज नल पॉइंट का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो फिर P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो बैटरी के EMF के बराबर होगा, क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, और A और J के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इंटू L1 करके आ जाएगा, तो यहां से EMF की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो ये पहले हमने ये निकाल लिया। फिर अब इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF तो आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अब हम ये जो बैटरी था, इस बैटरी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस हम R, ये एक नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, नॉन रेजिस्टेंस है ये, नॉन रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, और फिर से एक नया नल पॉइंट ढूंढ लेते हैं, तो वो नल पॉइंट L2 पे आ जाता है, और फिर नल पॉइंट का मतलब है कि करंट जीरो है, और करंट अगर जीरो है दैट मींस ये वाला जो सर्किट है ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट तो अभी भी अनइफेक्टेड है,
यानी कि यहां पे जो इस प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, ये करंट की वैल्यू अभी भी वही होगी, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ वही रहेगा ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अब लेकिन इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे होगा वो फिर पी एंड क्यू के बराबर होगा, बट पी एंड क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इस बार ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से तो करंट भले ही नहीं जा रहा, यानी कि नीचे वाला सर्किट ऊपर वाला सर्किट से तो इंडिपेंडेंट है, बट यहां पे अपना एक क्लोज सर्किट बना हुआ है और इस क्लोज सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, तो आ जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। एक लूप बन रहा है जिसमें ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, ठीक है। तो फिर ये सेकंड वाले उसमें दिखा रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल जो हो जाएगा, जिसको कि हम वी पी माइनस वी क्यू बोल रहे हैं, तो वो आ जाएगा ई माइनस आई आर, आई की जगह यहां से डाल दिया और वी पी माइनस वी क्यू ही फिर वी ए माइनस वी जे हो जाएगा, और वी ए माइनस वी जे फिर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इनटू बैलेंसिंग लेंथ एल टू इस बार आ गया होगा, इस बार एल टू डिफरेंट रहा होगा। तो फिर ऊपर वाला जो फर्स्ट इक्वेशन था नीचे वाला सेकंड इक्वेशन करके ये फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा याद रख सकते हो क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो वैसे तो डेरिवेशन हो जाएगा इसका, बट अगर याद रहेगा तो बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा याद करने की कोशिश करनी है कि बैलेंसिंग लेंथ सिर्फ बैटरी लगा के अगर L1 है और बैटरी के साथ एक नॉन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा के अगर बैलेंसिंग लेंथ L2 है, तो फिर L1 L2 और वो नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू R पता है, तो फिर वहां से इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, L2 जो होगा वो L2 तो L1 से छोटा ही होगा, क्योंकि पहले L1 के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ था वो EMF के बराबर था, अब तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगा, तो L2 लेस देन L1 छोटा होगा, तो यहां से ये इंटरनल रेजिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ये देखो, ये 2019 में ही आया है क्वेश्चन, इसमें यही फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसी फॉर्मूले का डायरेक्ट एक बार पढ़ो। बोल रखा है कि एक सेल को हमने बैलेंस किया है 560 सेंटीमीटर से, और जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम का सेल के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 60 सेंटीमीटर से चेंज हो जाता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से, यहां पे सिर्फ सेल को बैलेंस करने वाला लेंथ L1 दे रखा है 560 सेंटीमीटर और L2 दूसरा वाला जो लेंथ है, अच्छा दूसरा वाला लेंथ बोल रखा है कि चेंजेस बाय 60 सेंटीमीटर, तो 560 से चेंज होगा तो बढ़ेगा या घटेगा, तो ये अभी हमने बोला ना कि सिर्फ सेल लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। अब अगर हमने इसके अक्रॉस एक पैरेलल रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल होगा वो फिर ईएमएफ से कम होगा, ई माइनस आई आर होगा, तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगा, तो वो 60 से कम होकर 500 सेंटीमीटर हो चुका होगा, बढ़ाना नहीं है, 60 का चेंज दे रखा है, तो तुम्हें खुद से डिसाइड करना है कि ये कम हुआ होगा। और नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू आर दे रखा है, ये 10 ओम दे रखा है, तो बस अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था उसी फॉर्मूले में डाल दो, वो फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में यूज होता है। तो 560 अपॉन 500 माइनस 1 और इनटू 10, तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 500 और इनटू 10, तो ये कैंसिल कैंसिल, तो आ रहा है 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 का मतलब 1.2 आ रहा है, 1.2 ओम आ रहा है, तो इसको n अपॉन 100 के फॉर्म में लिखा है, तो फिर आंसर इसका 12 हो जाएगा, इसको 12 अपॉन 10 लिख लेंगे, तो n अपॉन 10 के फॉर्म में पूछा था n की वैल्यू, तो वो 12 हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलो एक ये देखते हैं, ये भी अगेन एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है 2019 में। इन द सर्किट सोन अ फोर वायर पोटेंशियोमीटर, तो ये बच्चे फिर इसी से घबराए थे कि ये फोर वायर दे रखा है, तो उससे कुछ घबराना नहीं है कि फोर वायर 400 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक वाला वायर है ये 400, ये 100 सेंटीमीटर है, फिर ये वायर ऐसा नीचे आया होगा, फिर इधर कुछ 100 सेंटीमीटर फिर से है, फिर ये आया फिर 100 सेंटीमीटर, फिर आया फिर 100 सेंटीमीटर, तो ऐसा एक पोटेंशियोमीटर वायर है और उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रखा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रखा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर टोटल और पोटेंशियोमीटर वायर, तो टोटल 400 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 0.01 और इंटू 400, तो ये आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, ओम पर सेंटीमीटर था, इंटू सेंटीमीटर किया तो ओम में आ जाएगा ये रेजिस्टेंस टोटल। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, करंट, तो करंट की वैल्यू जो होगी इस सर्किट में वो जाएगी, बैटरी दो है सीरीज में, तो सीरीज वाले बैटरी में ईएमएफ ऐड हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 1.5 वो 3 हो जाएगा अपॉन सर्किट में रेजिस्टेंस, अगर देखोगे तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 प्लस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 4 और प्लस एक और 1 ओम और लगा रखा है ये वाला, तो फिर टोटल हमारे पास बन जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 एम्पियर्स ये करंट हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा।
ठीक है, करंट ही हो रहा है। अब बोल रखा है कि वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया है, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब ये करंट कोई नहीं ड्रॉ करेगा, आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब इन्फिनिट रेजिस्टेंस। तो हमने अगर इसको पोटेंशियोमीटर वायर के दो पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन चूंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिट है तो कोई करंट नहीं ड्रॉ करेगा। तो ये बस उन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बता देगा। तो करंट पता है और 50 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो अगर टोटल 400 सेंटीमीटर का करस्पॉन्डिंग 4 ओम रेजिस्टेंस है तो 50 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो जो हमें रीडिंग मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1/2 और इनटू रेजिस्टेंस 50 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग, तो वो जाएगा 4/400 और इनटू 50, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 यानी कि एक और 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/4 बन जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, कि बस वोल्ट मीटर जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट किया है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो उसके लिए करंट इनटू रेजिस्टेंस कर देना उतने पार्ट का। चलो, एक और इंस्ट्रूमेंट जो पूछा जाता है कॉमनली, दैट इज मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का यूज क्या होता है कि एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, और यह वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहां पे मान लो अगर हमारे पास R नोन है और S अननोन है, या कोई भी, या तो R नोन हो सकता है या S नोन हो सकता है, लेट्स हमने S को लिख लिया कि S ये अननोन है, ये अननोन रेजिस्टेंस है और ये हमें पता करना है, और R मान लो हमारे पास नोन है, उल्टा भी हो सकता है। तो एक इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वाले गैप को लेफ्ट गैप, राइट वाले गैप को राइट गैप बोलते हैं। तो लेफ्ट गैप में नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, राइट गैप में अननोन कर दिया। अब यहां पे चार रेजिस्टेंसेस हैं, एक है आर एस, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नेटवर्क है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में पांच रेजिस्टेंसेस होते हैं। यहां पे एक रेजिस्टेंस आर है, एक एस है, एक रेजिस्टेंस जो यहां से यहां तक दिख रहा है कि गैल्वेनोमीटर से हमने जॉकी कनेक्ट किया है, एक नल पॉइंट ढूंढा है, यहां पे भी नल पॉइंट ढूंढते हैं, नल पॉइंट का मतलब कि जॉकी में कोई करंट नहीं है, तो हमें एक रेजिस्टेंस मिल जाता है आर ए डी मिल जाता है आर ए डी, और एक रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा डी से लेकर सी तक, एक और रेजिस्टेंस ये मिल जाएगा, एक इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस और एक इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस होगा और एक गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ इज अ रेजिस्टेंस। तो टोटल पांच रेजिस्टेंसेस हैं और ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर वाला जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो बैलेंस कंडीशन होता है क्या है, डायगोनली अपोजिट रेजिस्टेंसेस के प्रोडक्ट्स बराबर होते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आर इंटू आर डी सी, इस पॉइंट को हमने डी बोला था, इज इक्वल टू एस इंटू आर ए डी, ये आ जाएगा एस इंटू आर ए डी, ऐसा बन जाएगा। तो यहां से आ जाएगा R और इनटू रेजिस्टेंस, अगर हम लिख रहे हैं डीसी का तो रेजिस्टेंस निकलेगा नहीं, रो एल बाई ए यूज कर सकते हैं, तो वो जाएगा रो और L की जगह आ जाएगा, अगर बैलेंसिंग लेंथ L1 पे आया है तो ये आ जाएगा 100 माइनस L1 और अपॉन एरिया A, रो L बाई ए यूज कर लिया, इज इक्वल टू S और इनटू आर ए डी, तो आर ए डी का मतलब ए डी पोर्शन का लेंथ L1 है, तो रो इनटू L1 अपॉन A, तो ये रो और ए तो कैंसिल ही हो जाता है, तो इफेक्टिवली हमारे पास ये आता है आर इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू S इंटू L1, तो L1 सेंटीमीटर में, और ये मीटर ब्रिज जो होता है वो पूरा एक मीटर लंबा होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर लेंथ होता है, तो L1 अगर सेंटीमीटर्स में है तो 100 माइनस L1 भी सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। तो इफेक्टिवली हमें करना ही होता है कि एक R को उसके डायगोनली अपोजिट वाले लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और S को फिर उसके डायगोनली अपोजिट वाले लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये करके तुम्हें R और S में से जो भी नोन है उसकी वैल्यू डालो और दूसरा अननोन की वैल्यू आ जाएगी। L1 तो तुमने एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकाल रखा होगा कि बैलेंसिंग लेंथ कहां पे है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक थोड़ी नई चीज है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसमें देखो, इसमें वही है कि एक तरफ हमने x लगा रखा है और एक तरफ 10 लगा रखा है और बैलेंसिंग लेंथ दे रखा है। बोल रखा है कि गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है, यानी कि बैलेंस कंडीशन है ये। 52 सेंटीमीटर मार्क पे, यानी कि ये वाला जो मार्क है ये 52 सेंटीमीटर मार्क है, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज दे रखी है कि लेफ्ट में एंड करेक्शन है 1 सेंटीमीटर और राइट में एंड करेक्शन है 2 सेंटीमीटर। ए पे बोल रखा है कि एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर का है और बी पे एंड करेक्शन 2 सेंटीमीटर का है। तो ये एंड करेक्शन बेसिकली होते हैं कि जो लेंथ हम मेजर नहीं कर पाते हैं, कि एक मीटर लंबा स्केल रखा होता है बट उस स्केल के दोनों एंड्स पे थोड़े लेंथ अनमेजर छूट जाते हैं, तो उनको फिर हम एंड करेक्शन के फॉर्म में देते हैं। तो वो एंड करेक्शन की वैल्यू को हमें क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है। एंड करेक्शन आर एडेड टू द लेंथ, एंड करेक्शन जो होते हैं, एंड करेक्शंस आर एडेड, यानी कि यहां पे जो लेंथ हम लेंगे, जैसे डायगोनली अपोजिट, मान लो x के डायगोनली अपोजिट जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x इनटू अब डायगोनली अपोजिट लेंथ कितना है, तो अगर ये 52 है तो बचा हुआ लेंथ 48 हो जाएगा,
लेकिन उस 48 में हम ऐड करेंगे जो कि एंड करेक्शन उधर का, तो उधर का एंड करेक्शन है 2 सेंटीमीटर, तो ये ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू 10 इनटू ए से लेके नल पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ए से लेके नल तक पॉइंट का डिस्टेंस 52 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन यहां पे एंड करेक्शन 1 है तो उसको ऐड करेंगे तो ये 52 प्लस 1 बन जाएगा, ये बनेगा, और यहां से फिर एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू थोड़ी सी 10 से ज्यादा होगी, एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ आ जाएगा। तो एंड करेक्शंस, दोनों एंड पे एंड करेक्शंस को ऐड करना है, लेफ्ट वाले लेंथ में लेफ्ट वाला एंड करेक्शन ऐड करोगे, राइट वाले लेंथ में राइट वाला एंड करेक्शन ऐड करोगे। एक ये देखो जो 2020 में आया था क्वेश्चन, जनवरी सेशन में क्वेश्चन, एक बार पढ़ो। एस बोल रखा है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है और आर इज अ रेजिस्टेंस वायर, इट इज फाउंड दैट बैलेंसिंग लेंथ एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो अगर 25 है तो इक्वेशन क्या बना लेंगे, R into 75 is equals to S into 25, ये बना लेंगे, तो यहां से आ जाएगा S is equals to 3R, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। अब बोल रखा है कि R को आपने रिप्लेस कर दिया बाय अ वायर जिसका लेंथ हाफ है और डायमीटर हाफ है, तो यानी कि R डैश, अगर बोलते R डैश, तो R डैश हो जाएगा रो, मटेरियल वही है, रिप्लेस्ड बाय अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल है, तो रो वही रहेगा, लेंथ हो जाएगा लेंथ हाफ है, तो रो L बाय A की जगह L बाय 2 आ जाएगा, और एक की जगह हाफ डायमीटर, तो डायमीटर अगर हाफ होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4 हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो हो जाएगा ए बाई 4। तो ये फिर अगर देखोगे तो ये 2 रो एल बाई ए आ जाएगा, 2 रो एल बाई ए, यानी कि 2 आर हो जाएगा, पहले जो आर था, अब जो नया हमने आर की जगह डाल दिया वो आर डैश डाल दिया। तो अब अगर बैलेंसिंग लेंथ लेट से एक्स हो गया, कि अगर ये एल जो है ये अगर एल चेंज होकर एक्स हो गया, अगर मैंने इसको एक्स बोल दिया, तो क्या इक्वेशन बनेगा, आर आर चेंज होकर कितना हो चुका है, आर चेंज होकर आर डैश हो चुका है जो कि 2 आर है, इक्वेशन बन जाएगा आर डैश इंटू डायगनली अपोजिट जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू एस, एस तो वही है, एस वही है और इंटू एक्स, ये आ जाएगा। अब इस जो पहले वाले इंफॉर्मेशन से निकाल रखा था वो डाल दो, तो आर डैश को डाल देंगे 2R और इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू एस, हमने निकाल रखा था पहले वाले इंफॉर्मेशन से 3R और इंटू एक्स, तो यहां से आर कैंसिल हो गया, तो यह आ गया 200 इज इक्वल टू 3X और प्लस लेफ्ट वाला माइनस 2x उधर भेजा तो 2x, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 200 अपॉन 5 यानी कि 40 सेंटीमीटर्स, तो इसमें सेंटीमीटर में लेंथ पता ना, तो आंसर 40 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं मीटर ब्रिज वाले। एक मीटर ब्रिज का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये आया था 2019 में, इसको भी देख लेते हैं। इसमें बोल रखा है कि जो नीचे वाला वायर है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, इस बार मीटर ब्रिज में जो वायर है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, और इसका रेजिस्टेंस का वेरिएशन ऐसा दिखा रखा है, यानी कि बोल रखा है डी आर अपॉन डी एल, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन रूट एल के प्रोपोर्शनल है, जहां पे एल दिखा रखा है लेंथ लेफ्ट वाले सेक्शन से, लेफ्ट वाले सेक्शन से एल लेंथ दिखा रखा है, तो इसको अगर मैं सोचूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि डी आर अपॉन डी एल, एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट डाल देते हैं तो के अपॉन रूट एल, ऐसा लिख लेते हैं। अब ये बोल रखा है कि ये P पॉइंट जो है वो बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट है, जीरो डिफ्लेक्शन है यानी कि करंट जीरो है, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट है, और उस पर ऊपर वाले दोनों गैप में अगर रेजिस्टेंसेस देखोगे तो दोनों बराबर है, तो अगर ऊपर में दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं तो फिर यहां पर भी दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर होंगे, इस पर लेंथ बराबर नहीं होगा। लेंथ बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं है तो वो एरिया कैंसिल नहीं होगा, तो वेरिएशन जो रेजिस्टेंस का दे रखा है उसको बस यूज कर लेंगे, तो यहां पर एक तरह से मैं दोनों रेजिस्टेंस को कलर कर देता हूं, ऐसा कुछ है। तो बैलेंस होने के लिए रेजिस्टेंस ऑफ एपी ये रेजिस्टेंस ऑफ पीबी के बराबर तो होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला अगर दोनों बराबर है तो नीचे वाला भी दोनों बराबर होने चाहिए, जिसको मैंने पिंक और ब्लू से इसको शेड कर रखा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज अगर निकालोगे तो उसके लिए फिर हम यहां से इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो अगर आर एपी निकाल रहा हूं तो आर एपी कैसे निकलेगा, आर एपी, तो आर एपी के लिए इंटीग्रल ऑफ डी आर करना पड़ेगा ए से पी तक, इंटीग्रल ऑफ डी आर फ्रॉम ए टू पी ये करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा के अपॉन रूट एल डी एल, और ए अपॉन पी का मतलब 0 टू एल, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा के, और डी एल अपॉन रूट एल का इंटीग्रेशन 2 रूट एल हो जाएगा, और लिमिट्स डालेंगे तो यही बन जाएगा, बिकॉज लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, 2 रूट एल, चलो अभी मैं दिखा भी देता हूं कि लिमिट्स 0 टू एल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास के इंटू 2 रूट L. R अगर PB का निकाल रहा हूं, RPB तो PB का R निकालने के लिए फिर से हमें इंटीग्रल ऑफ DR करना पड़ेगा,
बट अब करना पड़ेगा फ्रॉम पी टू बी, तो यह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ के इन टू डीएल अपॉन रूट एल, और लिमिट्स जो डालना है एल दे रखा है, ए से लेफ्ट, ए से डिस्टेंस दे रखा है एल, तो फिर पी पॉइंट के लिए एल और बी पॉइंट के लिए वन तक जाना पड़ेगा, वन माइनस एल है यानी कि टोटल लेंथ वन दे रखा है, तो ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा के बाहर आ जाएगा, डीएल अपॉन रूट एल का फिर से टू रूट एल हो जाएगा, बट इस बार लिमिट्स हमें डालनी है लोअर लिमिट एल और अपर लिमिट वन, तो आ जाएगा के इंटू टू और आ जाएगा रूट वन, तो वन हो जाएगा, तो वन माइनस रूट एल, और फिर दोनों रेजिस्टेंसेस को बराबर करना है, तो बराबर करने का फिर हो जाएगा के इंटू टू रूट एल इक्वल्स टू के इंटू टू इंटू वन माइनस रूट एल, तो के इंटू टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा टू रूट एल इक्वल्स टू वन, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन फोर, ये लेंथ आ जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ ही होगा, जो नल पॉइंट जहाँ पे आ रहा है उसका लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था मीटर ब्रिज का, जनरली तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, तो फिर हमें सिर्फ क्या कर देना है, एक्चुअली में व्हीटस्टोन ब्रिज पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये बेस्ड है, तो करना ये है कि डायगनली अपोजिट रेजिस्टेंसेस के प्रोडक्ट्स को हमें बराबर करना है, लेकिन नीचे वाला वायर अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता था तो फिर रेजिस्टेंस इनटू इधर वाला लेंथ इज इक्वल टू इधर वाला रेजिस्टेंस इनटू इधर वाला लेंथ करके काम चल जाता था, बट इस बार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं था और रेजिस्टेंस का वेरिएशन दे रखा था, तो इसको हमने यूज करके रेजिस्टेंस निकाला और फिर फॉर्मुला वही लगाया कि दिस रेजिस्टेंस डायगनली अपोजिट रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट वो बराबर है, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस बराबर थे तो इस कारण से नीचे वाले भी दोनों बराबर आ गए। एक चीज ये डिस्कस करते हैं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, तो ये पहले तो नहीं आता था जेई मेन में, बट लास्ट ईयर से थोड़ा ये आना शुरू हो गया है, लास्ट ईयर काफी आया, लास्ट ईयर के बहुत से मतलब 2019 का जो पेपर था उसमें हर पेपर में लगभग ये क्वेश्चन आया कलर कोडिंग का, बट ये 2020 में जनवरी सेशन में नहीं आया, बट यू नेवर नो अगले सेशन में पूछ दे, तो इसको आई थिंक सबने याद कर रखा होगा, स्कूल का बोर्ड एग्जाम दिया होगा तो उसमें तो याद करने की जरूरत पड़ी होगी, तो ये एक टेबल है एनसीईआरटी से मैंने उठा रखा है, तो इस टेबल में सारे कलर्स के रिस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है, एक मल्टीप्लायर होता है और एक टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस का मतलब एरर होता है, तो कलर कोडिंग में हमारे पास रेजिस्टर में रिंग्स बने होते हैं, तीन रिंग्स या चार रिंग्स बने होते हैं, और उन चार रिंग्स का इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो देखते हैं, तो पहले ये सारे नंबर्स के रिस्पॉन्डिंग वैल्यूज, कलर्स के रिस्पॉन्डिंग वैल्यूज याद रखनी है, तो वो याद करने के लिए कुछ इस फॉर्म में याद रखते हैं, आई थिंक बच्चे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ हु वोर गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, तो इसमें सारे ब्लू वाले कलर्स मैंने मार्क कर रखे हैं, तो इस ऑर्डर में ये याद कर लोगे, तो जब भी कलर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो पहले ये टेबल अपनी तरफ से बना लेना है, और वो बनाने के लिए जो कलर्स का ऑर्डर है उसके लिए ये लाइन याद रखोगे। अच्छा, इसमें कैच थोड़ा ये ध्यान रखना है कि बी, जैसे बी तीन है इसमें, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला जो ये है ना, इसमें बी एक दो तीन बी है, बाकी सारे तो जी भी दो है, तो वो सब ध्यान रखना है कि ऑर्डर वाइज क्या है, तो एक दो बार इसको लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे अगर क्वेश्चन आ रहा एग्जाम में तो और कुछ है ही नहीं, इसमें दम ही नहीं है, बस तुम्हें ये टेबल याद होना चाहिए, तो ये टेबल ऐसे याद करने के बजाय इस लाइन के फॉर्म में उसको याद कर सकते हो। इसको रीड कैसे करते हैं, तो अगेन मैंने एनसीईआरटी से ये स्क्रीनशॉट ले रखा है, इसमें सब कुछ दे रखा है कैसे करेंगे, तो इसमें बोलता है कि कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स होते हैं, तो फर्स्ट टू बैंड्स देखो एक बार, फर्स्ट टू बैंड्स फ्रॉम द एंड इंडिकेट द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम्स, तो जैसे यहां पे नीचे वाला अगर देखोगे तो एक एग्जांपल भी दे रखा है, इस एग्जांपल में मैं साथ लिखते चलता हूं, बोल रखा है कि चार कलर है, कलर है ऑरेंज ब्लू, तो पहला दो कलर हो गया ऑरेंज और ब्लू, तो यहां पे टेबल में जाओगे और ऑरेंज और ब्लू ढूंढोगे, तो ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग है तीन और ब्लू के करस्पॉन्डिंग है क्या दिख रहा है, ऑरेंज करस्पॉन्डिंग तीन, ब्लू के करस्पॉन्डिंग छह दिख रहा है, तो ये थ्री सिक्स, पहला दो ये सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, ये लिख रखा है कि फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम्स, थर्ड जो है बैंड इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर, और डेसिमल मल्टीप्लायर सेकंड वाली लिस्ट में है, तो थर्ड कलर देखो, थर्ड है येलो, येलो आओगे तो येलो का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, येलो देखोगे यहां येलो फोर है, तो इसका डेसिमल मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 4 जाएगा। अच्छा, इसमें जो नंबर है ना यहां पे मल्टीप्लायर में उसी का पावर है, जैसे 0 है तो वो 10 टू द पावर 0 है, वहां पे 1 है तो 10 टू द पावर 1 है, 2 है तो 10 टू द पावर 2 है, तो कोई एक याद रखोगे तो ये मल्टीप्लायर वाला अपने आप को याद हो जाएगा, बस उसी का पावर लगा देना है, तो 10 टू द पावर 4 तो 36 इंटू 10 टू द पावर 4 कर दिया, और लास्ट जो है वो बोल रखा है कि गोल्ड, लास्ट जो है वो बोल रखा है गोल्ड, तो ये लास्ट वाला क्या देता है वो यहां पे लिख रखा है, द लास्ट बैंड स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यूज, यानी कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू की उसमें कुछ एरर होगा, तो वो एरर को टॉलरेंस के फॉर्म में दिखा रखा है, यानी कि प्लस माइनस इतना परसेंटेज होगा,
अब अगर गोल्ड है तो गोल्ड का अगर देखोगे तो गोल्ड का मतलब है कि 5 है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं इनटू इसको इनटू तो हमने लिख दिया, ये मीटर इनटू तो हमने लिख दिया, लास्ट वाला जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5%। तो ऐसे हम रिपोर्ट करते हैं 36 × 10⁴, तो 36 फर्स्ट टू रिंग से आ जाएगा, 10⁴ आ जाएगा थर्ड रिंग से, और फोर्थ रिंग से आएगा टॉलरेंस। तो फोर्थ रिंग में तीन ही ऑप्शन होता है, या तो गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, या कलर ही नहीं होगा, यानी कि तीन ही रिंग्स होंगे। तो अगर तीन ही रिंग्स है किसी भी रजिस्टर में, चौथा रिंग है ही नहीं, इसका मतलब उस केस में टॉलरेंस की वैल्यू प्लस माइनस 20% लिखना है तुम्हें। तो ये सिंपल सी चीज है, बट वो टेबल याद रहेगा तो इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको एक क्वेश्चन जो एक ये आया है ये मैंने दे रखा है, तो एक बार खुद से ये प्रैक्टिस कर लेना, वो टेबल लिख के आंसर इसका सी होना चाहिए। सारे कलर्स दे रखे हैं, तो चार कलर हैं, तो यहाँ पे गोल्डन वाला भी है, तो प्लस माइनस गोल्डन कौन सा था, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो गोल्ड 5% वाला, तो सब में 5% तो जिसमें है तो वो सी जो करेक्ट आंसर उसमें भी 5% ही है। बाकी ग्रीन ऑरेंज येलो, तो ये ग्रीन और ऑरेंज से फर्स्ट टू डिजिट्स डिसाइड करोगे और येलो से तुम डिसाइड करोगे मल्टीप्लायर, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं कैपेसिटर वाले सर्किट्स में आ जाते हैं, कि वैसे सर्किट्स जिसमें कि कैपेसिटर्स इन्वॉल्वड है, तो उसमें एक होता है कि अनचार्ज कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं बाय यूजिंग अ सेल, तो उसमें फॉर्मूला ये वाला हो जाता है क्यू इक्वल्स टू सी ई इनटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आरसी, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हो जाता है। अच्छा, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर ये है तो करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो ये अगर करोगे तो ये आ जाएगा, पहला टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो माइनस ऑफ सी और इंटू ई के पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी और इंटू वन बाई माइनस ऑफ वन बाई आर सी माइनस ऑफ वन बाई आर सी, ये बनेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई बाई आर इंटू ई के पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। तो करंट ऐसे एक्सपोनेंशियली घटता है, तो कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर को जैसे ही हम किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो उसमें चार्ज एक्सपोनेंशियली घटता है और सर्किट में करंट एक्सपोनेंशियली चार्ज एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, उसका डायग्राम भी यहां बना रखा है, और करंट एक्सपोनेंशियली घटता है। फिर एक टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसको टाउ इक्वल्स टू आर सी, यानी कि वो जो चार्ज वाला एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं, क्यू इक्वल्स टू सी ई इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। तो ये टाउ बोलते हैं वैसा टाइम है जिसके पास जिस टाइम के बाद ये कैपेसिटर 63% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू हो जाएगा। यहां पे स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होता है, स्टेडी स्टेट चार्ज। तो स्टेडी स्टेट का मतलब कि जो भी चेंज होना है सब हो जाएगा। तो यहां इस इक्वेशन में चेंज इन्फिनिट टाइम तक चेंज हो सकता है, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी डालोगे तो यानी कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी डालोगे तब आएगा, तो ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी सी, यानी कि बैटरी का जो ईएमएफ है, बैटरी का जो वोल्टेज है पूरा का पूरा कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा, बिकॉज करंट जीरो हो चुका होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, तो चार्ज नहीं चेंज हो रहा है यानी कि करंट की वैल्यू जीरो हो चुकी है। तो करंट अगर जीरो है तो इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस अगर ई पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो उस पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी सी इन टू ई। लेकिन ये स्टेडी स्टेट चार्ज होता है और ये होने में इन्फिनिट टाइम लगता है, तो चार्ज और करंट के एक्सप्रेशन थोड़े पता होने चाहिए। ये चार्जिंग वाला सर्किट है। एक होता है डिस्चार्जिंग वाला सर्किट, तो उसमें ये डिस्चार्जिंग का इक्वेशन ही होता है कि चार्ज इज फंक्शन ऑफ टाइम ही हो जाएगा। इसमें भी करंट निकाल सकते हो, करंट निकालने के लिए फिर अच्छे से बार डिस्चार्जिंग हो रहा है तो करंट को माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, बिकॉज चार्ज घट रहा है। पिछले क्वेश्चन में चार्ज बढ़ रहा था इसलिए करंट को डी क्यू बाई डी लिख रहे थे, यहां पे चार्ज घट रहा है तो माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी लिखेंगे, तो आ जाएगा माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी करेंगे अगर तो क्यू नॉट इंटू ई के पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी और इंटू माइनस ऑफ वन बाई आर सी, तो यह आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट अपॉन आर सी और इंटू ई के पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी, तो करंट भी एक्सपोनेंशियली घटेगा, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर्स के बारे में एक बात आरसी सर्किट्स में हम एक नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। आरसी सर्किट्स अगर होता है, आरसी सर्किट चाहे चार्जिंग वाला केस हो या डिस्चार्जिंग वाला केस हो, इसमें दो स्टेटमेंट्स ध्यान रखने हैं। एक स्टेटमेंट होता है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा, सॉरी कैपेसिटर में करंट जीरो होगा, एट स्टेडी स्टेट करंट इन कैपेसिटर इज जीरो। एक स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है, एट स्टेडी स्टेट करंट इन कैपेसिटर इज जीरो, क्योंकि स्टेडी स्टेट का मतलब ही है ना कि चेंज नहीं हो रहा कुछ भी टाइम के साथ, और कैपेसिटर के केस में क्या टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है, तो कैपेसिटर पे चार्ज टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है,
और चार्ज अगर नहीं चेंज हो रहा है करंट जीरो है। तो आरसी डीसी सर्किट्स में कैपेसिटर में कोई भी करंट नहीं फ्लो करता स्टेडी स्टेट में, जिसको कि एक स्टेटमेंट ऐसा ही बुलाता है कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डायरेक्ट करंट टू पास थ्रू इट। ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है लेकिन डायरेक्ट करंट पास नहीं करता, यानी कि स्टेडी स्टेट आने के बाद डायरेक्ट करंट जीरो हो जाता है कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में उस ब्रांच में। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात होती है। और एक बात होती है कि कैपेसिटर पे चार्ज अचानक चेंज नहीं होता है, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर डज नॉट चेंज इंस्टेंटली, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर डज नॉट चेंज इंस्टेंटली, डज नॉट चेंज इंस्टेंटली, अचानक नहीं चेंज होगा, टाइम लगेगा चेंज होने में इंस्टेंटली। यानी अगर अनचार्ज कैपेसिटर है तो स्विच क्लोज किया अगर हमने टीक्वल टू जीरो माइनस पे अगर अनचार्ज था तो टीक्वल टू जीरो प्लस पे भी अनचार्ज रहेगा। अगर चार्ज कैपेसिटर है तो अचानक से अनचार्ज नहीं होगा, टाइम लगेगा इसको अनचार्ज होने में। तो ये दो स्टेटमेंट्स होते हैं आरसी सर्किट्स में। एक होता है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में उस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करेगा, और कैपेसिटर पे चार्ज अचानक नहीं चेंज होता है। तो इसको यूज करके आरसी सर्किट हम सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक ये देखो, ये बोल रखा है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है थ्रू रेजिस्टर आर, कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग वाला केस है। और बोल रखा है कि टी वन इज द टाइम टेकन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी टी वन टाइम वो टाइम है जिस समय एनर्जी इनिशियल एनर्जी का हाफ हो जाए। एनर्जी उतना होता कितना है, चार्ज के टर्म्स अगर लिखे तो एनर्जी होता है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो ये आ जाएगा हाफ इनिशियल एनर्जी हो जाएगी, इनिशियल चार्ज अगर क्यू नॉट है तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी ये आ जाएगा। यानी कि यहां से हमें क्या मिलेगा कि क्यू हो जाएगा दैट इज क्यू नॉट अपॉन रूट टू, ये हो जाएगा। जिस समय एनर्जी आधी होगी उस समय चार्ज ये हो गया होगा। इक्वेशन क्या बनेगा, चार्ज इज फंक्शन ऑफ टाइम, याद करो डिस्चार्जिंग वाला केस है। तो ये बन जाता है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू ई के पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी, ये बनता है डिस्चार्जिंग में। तो क्यू हमें चाहिए क्यू नॉट अपॉन रूट टू, तो आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन रूट टू इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू ई के पावर माइनस ऑफ टी, और ये टी जो है वो टी वन है तो टी वन अपॉन आर सी। तो यहाँ दो तरफ लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ वन बाई रूट टू, ये क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी वन अपॉन आर सी। तो माइनस साइन को इधर भेजा तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ रूट टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन आर सी। तो टी वन की वैल्यू फाइनली आ जाएगी आर सी, और एल एन ऑफ रूट टू को हम वन बाई टू एल एन टू लिख सकते हैं, ये टी वन आ जाएगा। फिर एक टाइम बोल रखा है टी टू, टी टू बोला है कि इज द टाइम टेकन फॉर द चार्ज रिड्यूस टू वन फोर्थ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। टी टू टाइम जो है उतने टाइम में चार्ज इनिशियल चार्ज का वन फोर्थ हो जाता है। तो टी टू टाइम के लिए ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें चाहिए चार्ज जो हो गया वो इनिशियल चार्ज अपॉन फोर हो गया, वन बाई फोर ये चाहिए, ठीक है। तो इसमें फिर से वही डाल देंगे क्यू इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट बाई फोर इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू ई के पावर माइनस ऑफ टी टू बाई आर सी। तो एल एन लिया दोनों तरफ, तो एल एन ऑफ वन बाई फोर इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी टू अपॉन आर सी, माइनस साइन को लेफ्ट में अंदर भेजा तो आ गया एल एन फोर इज इक्वल टू टी टू अपॉन आर सी। तो यहाँ से आ गया टी टू इज इक्वल टू टू एल एन टू और इन टू आर सी, ये बन जाएगा। तो हमसे पूछा है टी वन बाई टी टू, टी वन बाई टी टू पूछा है। तो टी वन बाई टी टू अगर देखोगे तो आर सी एल एन टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई टू अपॉन टू यानी कि वन बाई फोर हो जाएगा। तो आंसर फिर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका इक्वेशन तुम्हें ध्यान रखना है। एक ये देखो, ठीक है, तो ये बोल रखा है कि एक रेजिस्टर है R एंड 2 माइक्रोफेराड। तो एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, और इसको हमने कनेक्ट किया है एक 200 वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस। 200 वोल्ट का सोर्स है डीसी सोर्स, R है और ये कैपेसिटर है, लेट्स से C बोल देते हैं, इसका 2 माइक्रोफेराड है। और बोल रखा है कि इसके अक्रॉस हमने एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है, एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, और ये बल्ब बोल रखा है कि ये लाइट अप होता है एट 120 वोल्ट, यानी 120 वोल्ट से पहले लाइट अप नहीं होगा। और फिर हम स्विच क्लोज करें, यानी कि यहां पे एक ऐसा स्विच लगा होगा, तो इस स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं टी इक्वल टू जीरो पे। तो बोला कि कितने टाइम के बाद ये बल्ब ग्लो करेगा, तो बल्ब ग्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट चाहिए, और बल्ब को हमने लगाया है इन पैरेलल टू द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो जाएगा तब ये
बल्ब ग्लो करेगा, तो उसके लिए हमें टाइम निकालना है। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज अपन कैपेसिटेंस होता है। तो पहले चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर लिख लें, तो चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला केस है कि स्विच क्लोज कर तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, तो क्यू इज इक्वल टू अगर मैं इसको लेट से वी बोल देता हूं, इसको वी अगर बोल देता हूं तो सी वी ये स्टेडी स्टेट चार्ज होगा इंटू वन माइनस ई के पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी, ये होगा। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो हो जाएगा क्यू बाई सी, तो ये आ जाएगा वी इंटू वन माइनस ई के पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। और वी सी हमें क्या चाहिए, 120 चाहिए, वी सी 120 चाहिए, और वी कितना है वो 200 है, और 1 माइनस ई के पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी ये बन जाएगा। तो यहां से अगर इधर लोगे तो ये बन जाएगा 120 अपॉन 200, ये आ जाएगा 3 बाई 5 आ जाएगा, तो 3 बाई 5 इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। तो मैंने ई वाला टर्म इधर ले लिया तो ये आ गया ई के पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 3 बाई 5 यानी कि 2 बाई 5। ln ले लिया अगर दोनों तरफ तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ टी बाई आर सी इज इक्वल टू ln ऑफ 2 बाई 5, माइनस अगर इधर ले गए तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू आर सी ln ऑफ 5 बाई 2 यानी कि 2.5 ये आ जाएगा। तो आप देखो इसमें क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ आर टू मेक द बल्ब लाइट अप 5 सेकेंड्स आफ्टर द स्विच इज क्लोज, यानी 5 सेकेंडों के बाद हम लाइट अप कराना चाह रहे हैं और आर की वैल्यू पूछी गई है। तो यहां पे इस इक्वेशन में तुम्हें टाइम पता है और आर निकालना, सी भी पता है, तो क्या करोगे, टाइम दे रखा है कितना 5 सेकेंड इक्वल टू आर बताना है और सी कितना है 2 माइक्रोफेराड है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ln ऑफ 2.5 इसकी वैल्यू log 2.5 की वैल्यू दे रखा है, तो log 2.5 है तो ln के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका है 0.4 है, कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड था, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.303 और इंटू 0.4 दे रखा है, तो ये कुछ आंसर ऐसा बन जाएगा। तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी, तो R की वैल्यू एक बार देख लेना क्या बनेगा, इससे वो आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो कैलकुलेशन करके तो वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चार्जिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वाला इक्वेशन इसमें यूज हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में यूज हो रहा था डिस्चार्जिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये दोनों तुम्हें याद होने चाहिए। कुछ और सर्किट्स देखते हैं, एक ये देखो, तो चार्ज इन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट, और ऐसे सर्किट में अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो बाय डिफॉल्ट हमें यह मानना है कि यह सर्किट स्टेडी स्टेट में है, कुछ नहीं बोला गया तो सर्किट को हमेशा स्टेडी स्टेट में मानना है, तो यह स्टेडी स्टेट में सर्किट है, स्टेडी स्टेट। अच्छा, सर्किट अगर स्टेडी स्टेट में है दैट मीन्स कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो बाकी जो अपना सर्किट है सिर्फ उसमें करंट करेगा, तो बाकी सर्किट जो है वो एक रेजिस्टिव सर्किट है, तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो उसके लिए आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। हमें कैपेसिटर पर अगर चार्ज बताना है तो बेसिकली ये जो 10 ओम वाला रेजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम के अक्रॉस जो होगा वही फिर कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, वहां से चार्ज आ जाएगा। तो पहले करंट निकालते, तो करंट निकालने के लिए देखोगे कि अगर कैपेसिटर वाले ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है तो ये 2 ओम और 10 ओम ये सीरीज में है, तो 12 हो जाएगा, और 12 के साथ 4 पैरेलल में है, तो 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12 यानी कि 16, तो ये आ जाएगा 3 ओम, और फिर वो 3 के साथ 6 वो सीरीज में है, तो करंट जो बैटरी से निकलेगा अगर मैं इस करंट को आई बोल रहा हूं तो ये इस आई की वैल्यू हो जाएगी 72 अपॉन 3 प्लस 6 यानी कि 9, 8 एम्पियर्स करंट बैटरी से निकलेगा, बट यहां पे जाके एक जाएगा 4 एम्पियर में और एक जाएगा फिर इस ब्रांच में, इस ब्रांच में फिर आगे कैपेसिटर में तो नहीं जाएगा, तो अगर मैं इसको लेट से आई डैश बोल रहा हूं तो ये आई डैश की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें इस चीज का यूज करेंगे कि वो दो ब्रांच, एक है 4 ओम वाला ब्रांच और एक है 2 और 10 यानी कि 12 ओम वाला ब्रांच, तो इन दोनों ब्रांचेस में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैरेलल में वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में होता है, तो 12 ओम वाले ब्रांच में अगर निकालना है तो वो हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 12 और इंटू 8 ये बन जाएगा। तो ये नीचे 4 प्लस 12 ये तो 16 ही हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 यानी कि 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट जाएगा आई डैश। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, V across 10 ohm, जो कि V across capacitor भी हो जाएगा, V across capacitor, वो V across 10 ohm होगा, और वो कितना हो जाएगा, तो 10 ohm resistance है, और current उसमें जा रहा है 2 ampere, तो हो जाएगा 20 volts, और 20 volts अगर potential difference है capacitor के across, तो जो current, उसमें जो charge हो जाएगा Q equals to CV, Q equal to CV, तो यह आ जाएगा C हमारे पास 10 microfarad, और potential difference हमने निकाल रखा है 20, तो ये माइक्रो कूलम्स में हो जाएगा, बिकॉज कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड में है और वोल्टेज तो वोल्ट्स में है,
तो फिर इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आरसी सर्किट का एग्जांपल है जो कि स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट वाले सर्किट को ऐसे सॉल्व करना है, कैपेसिटर वाले ब्रांच में करंट नहीं होगा तो बाकी ब्रांचेस में करंट निकाल लो और फिर फाइनली कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंच जाओ जिससे कि तुम्हें चार्ज ऑन द कैपेसिटर आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन देखो, कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो इसमें ऊपर वाले ब्रांच में अगर देखोगे तो ऊपर वाले ब्रांच में 1 और 5 ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइक्रोफेराड। कैपेसिटर पैरेलल में C1+C2 होता है और 6 और 4 फिर सीरीज में है, तो ऊपर वाले पूरे ब्रांच का सी ऑफ अपर ब्रांच जो है वो आ जाएगा 4 और 6 सीरीज में, तो 4 × 6 / 4+6 यानी कि 2.4 हो जाएगा, 2.4। और फिर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 है क्योंकि यहां पे अगर 0 लिखोगे यहां पे 10 है, तो ये नीचे वाले 3 ओम से तो फर्क ही नहीं पड़ता ऊपर वाले पे, बिकॉज ऊपर वाले पे इंडिविजुअली इधर 10 है और इधर 0, यानी कि इंडिविजुअली 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और कैपेसिटेंस अगर 2.5 माइक्रोफेराड है तो ऊपर वाले ब्रांच पे जो चार्ज होगा वो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 2.4 × 10 यानी हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम्स, ये हो जाएगा। और 4 माइक्रोफेराड पे तो यही वाला चार्ज आएगा, तो 4 पे अगर पूछा है, जैसे यहां पे अगर देखो चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेराड, क्यू ऑन 4 माइक्रोफेराड, तो उसका आंसर तो 24 माइक्रो कूलम हो जाएगा, यही पूछा था, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लो बाकी में भी अगर मैं बताना चाहता हूं तो 4 माइक्रोफेराड पे जो चार्ज होगा अब आगे जाके वो 1 और 6 पे डिस्ट्रीब्यूट, 1 और 5 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उन दोनों में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो अगर चार्ज ऑन 1 माइक्रोफेराड पूछा है तो कैपेसिटर में अगर पैरेलल में जाके चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो सेम रेशियो एज कैपेसिटेंस होता है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो क्यू इक्वल्स टू सीवी, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो चार्ज कैपेसिटेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1 वाले पे हो जाएगा 1/1+5 × 24, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम्स। और दूसरे वाले पे फिर बचा हुआ चला जाएगा, या फिर ऐसे सोच लो कि वो हो जाएगा 5/6 × 24, तो हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम्स, ये होगा। 3 माइक्रोफेराड वाला वो तो इंडिपेंडेंट है, उसका तो और आसान है कि 3 माइक्रोफेराड वाले पे अगर देखेंगे चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड, तो 3 माइक्रोफेराड वाला तो अपना इंडिपेंडेंट है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो 3 × 10 = 30 माइक्रो कूलम्स। तो इस तरह से इस ब्रांच में हम सारे ही कैपेसिटर्स पे चार्ज निकाल सकते हैं, पैरेलल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर्स पे वो इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस होता है। चलो एक नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सीरीज पैरेलल का ही है, इसमें बोल रखा है चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफेराड इज -30 माइक्रो कूलम, लेफ्ट पे नेगेटिव है तो राइट पे पॉजिटिव होगा और ये है 30 माइक्रो कूलम्स, यानी कि लेफ्ट पे -30 तो राइट में +30। अब इस सिस्टम को जब हमने चार्ज किया होगा तो जो भी चार्ज आया होगा, लेट से अगर हमने ऐसा एक बैटरी लगा के इसको चार्ज किया होगा, तो इस 10 माइक्रोफेराड पे अगर 30 माइक्रो कूलम्स है तो 6 और 4 पे जाके ये पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, तो पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखा कि वो सेम रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। तो 6 माइक्रोफेराड वाले पे अगर पूछा गया तो ऊपर वाले में कितना होगा, तो चार्ज जो हमसे पूछा गया 6 माइक्रोफेराड वाला, वो हो जाएगा 6/6+4, ये हमने इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस डिवाइड कर दिया और टोटल चार्ज है 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 और 4 = 10 हो जाएगा, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 माइक्रो कूलम्स। अच्छा, अब इसमें +18 और -18 दोनों है तो पोलैरिटी कैसी होगी, तो चार्जेस की पोलैरिटी तो सब में सेम ही होगी, तो यहां पे नेगेटिव होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, सब पे ऐसी पोलैरिटी होगी जो चार्ज का सर्कुलेशन हुआ होगा। अच्छा, उसके लिए हमने बैटरी जो लगाया होगा ना, ये पोलैरिटी जो मैंने दिखाया इसका उल्टा पोलैरिटी का बैटरी लगाया होगा, मैं इसको ठीक कर देता हूं कि बैटरी जो लगाया होगा वो कुछ ऐसा लगाया होगा, तब जाके लेफ्ट में नेगेटिव, यानी कि बैटरी से कुछ ऐसा चार्ज गया होगा और ये जाके ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। तो इसमें देखो चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो राइट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो आंसर ये हो जाएगा, बी नहीं करना है, बी गलत हो जाएगा। तो अगर सिर्फ कैपेसिटर पे चार्ज पूछा जाता है तो बाय डिफॉल्ट हम चार्ज बताते हैं ऑन द पॉजिटिव प्लेट, लेकिन अगर कैपेसिटर के किसी प्लेट पे चार्ज पूछ दिया गया है तो उसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन सा प्लेट बोला गया, अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो पॉजिटिव वाला बताओगे, नेगेटिव चार्ज प्लेट पर अगर पूछा है तो नेगेटिव वाला बताओगे। तो यहां पर स्पेसिफाई कर रखा था कि राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफेराड, तो उस पर जो चार्ज पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव बताएंगे, अगर लेफ्ट प्लेट पर पूछा होता तो इसका आंसर नेगेटिव हो जाता, -18 माइक्रो कूलम्स हो जाता। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी डिसिपेशन का,
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था एनर्जी डिसिपेशन का. तीसरे बोल रखा है कि स्विच पहले ए पे है. अच्छा, ए पे अगर स्विच है तो बाय डिफॉल्ट ये सर्किट स्टेडी स्टेट में रहा होगा, और फिर हम इसको चेंज कर रहे हैं, ए से बी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. तो ए से बी की तरफ जब शिफ्ट कर रहे होंगे तो ये कैपेसिटर चार्ज्ड है. पहले चार्ज है, कितना चार्ज रहा होगा इस पे? इसमें अगर चार्ज मैं दिखा दूं तो ये रहा होगा नीचे पॉजिटिव रहा होगा, ऊपर नेगेटिव रहा होगा, और इस पे चार्ज की वैल्यू रही होगी सी इंटू ई, इतना चार्ज रहा होगा. और फिर हम स्विच को बी पे शिफ्ट कर रहे हैं. तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि स्विच को अगर हम बी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसा हमने सर्किट बना लिया. अब ऐसा सर्किट बन जाएगा, इस वाले का कैपेसिटेंस सी है और इस वाले का 3C है. तो फिर हम यह मान लेते हैं कि जब हमने स्विच शिफ्ट किया तो स्विच शिफ्ट होने के बाद स्टेडी स्टेट आने तक नए सर्किट में टोटल चार्ज का सर्कुलेशन हम मान लेते हैं क्यू. तो हमने मान लिया कि यह अनचार्ज कैपेसिटर था राइट वाला 3C वाला, और यह लेफ्ट वाला चार्ज था. तो लेट्स से हमने चार्ज का सर्कुलेशन ऐसा मान लिया कि ऐसा क्यू चार्ज इस सर्किट में सर्कुलेट कर गया. क्यू चार्ज का सर्कुलेशन मान लिया. एक मिनट इसको ठीक कर लेता हूं. क्यू हमने लिखा कि क्यू चार्ज सर्कुलेट हो गया. तो अगर 3C वाला पहले अनचार्ज था तो अगर क्यू चार्ज का जो सर्कुलेशन दिखा रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले प्लेट पे क्यू आ चुका होगा और ऊपर वाले से क्यू निकल चुका होगा, तो प्लस माइनस लिख दिया और चार्ज की वैल्यू क्यू हो जाएगी इस कैपेसिटर पे. लेफ्ट वाले पे अगर देखोगे तो नीचे वाले प्लेट पे पहले सी था, तो अब यहां से चार्ज निकल गया है, तो ये हो जाएगा सीई माइनस क्यू, ये चार्ज हो जाएगा. ऊपर वाले प्लेट पे इसी का नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज पहले माइनस सी था, और अब ऊपर वाले पे जो सर्कुलेशन दिखा रखा है उस सर्कुलेशन से ऊपर वाले चार्ज पे क्यू आ जाएगा, तो माइनस सी प्लस क्यू हो जाएगा. तो उसको अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो सी माइनस क्यू हो जाएगा. यानी कि पॉजिटिव प्लेट पे है सी माइनस क्यू और नेगेटिव प्लेट पे इसका नेगेटिव है, तो मैं प्लस माइनस दिखा के और सी माइनस क्यू लिख लूंगा. और अब फाइनली हम केवीएल लगा लेंगे, केवीएल लगाएंगे फाइनल जो सिचुएशन है उसमें केवीएल लगाएंगे. और इस केवीएल में लगाने के लिए घूम जाएंगे, तो मतलब मान लो अगर मैं अभी जिसको हाईलाइट किया इस पॉइंट से स्टार्ट करूं और इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाऊं, तो पहले ये वाला कैपेसिटर आ जाएगा, तो उसमें मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो ये आ जाएगा सी ई माइनस क्यू अपॉन सी. अगला टर्म आएगा उसमें मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो माइनस ऑफ क्यू अपॉन थ्री सी इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से आ जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई थ्री सी, तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री क्यू बाई सी, ये हो जाएगा. तो यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू, तो ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3c अपॉन 4, ये वैल्यू हो जाएगी क्यू की. और क्यू की वैल्यू आ गई तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, मान लीजिए 3c वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा वी, अगर मैं बोल दूं डेल्टा वी, तो वो क्यू की वैल्यू है 3c अपॉन 4 अपॉन 3c करोगे तो वो आ जाएगा e by 4, e by 4 हो जाएगा. 3c अपॉन 4 चार्ज आ गया और अपॉन 3c कर देंगे तो e by 4 आ जाएगा. अब इसमें बोल रखा है कि एनर्जी डिसिपेटेड कितना हुआ, तो एनर्जी डिसिपेटेड में इनिशियल एनर्जी अगर देखेंगे, इनिशियल एनर्जी तो यू इनिशियल में सिर्फ एक कैपेसिटर चार्ज था, और फिर स्विच शिफ्ट कर रहे हैं तो हम एनर्जी का डिसिपेशन बताना है. तो स्विच शिफ्ट करने के बाद जो सिस्टम बन रहा है उसमें लेफ्ट वाला कैपेसिटर पहले चार्ज था राइट वाला अनचार्ज था, तो इनिशियल एनर्जी में सिर्फ लेफ्ट वाले के पास थी और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले वी था, तो उस पर जो एनर्जी थी दैट वॉज हाफ सी ई स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी थी इस सिस्टम के पास. और फाइनल एनर्जी कितनी हुई, तो फाइनल एनर्जी हुई दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है तो हम सीवी स्क्वायर कर देते हैं, तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा हाफ सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के अक्रॉस सेम होगा क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों के लिए सेम है. तो हाफ लेफ्ट वाले कैपेसिटर के लिए सी इंटू ई बाई फोर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हाफ और थ्री सी इंटू ई बाई फोर का स्क्वायर, ये बन जाएगा. तो फिर हीट लॉस जो हो जाएगा, हीट लॉस या एनर्जी डिसिपेशन या इसको हम हीट लॉस भी बोलते हैं, हीट लॉस, तो ये हीट लॉस हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ऐसा हो जाएगा. तो इसमें अगर डिफरेंस लेंगे तो ये हाफ सी ई स्क्वायर और माइनस यू फाइनल अगर देखोगे तो उसमें क्या बन रहा है, हाफ और सी प्लस थ्री सी यानी कि फोर सी हो जाएगा और ई स्क्वायर अपॉन 16, ऐसा रहा है. तो ये कैंसिल हो गया, ये फोर टाइम्स आ जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, हाफ सी स्क्वायर, ये तो कॉमन निकल जाएगा, वन माइनस वन बाई फोर यानी कि थ्री बाई फोर, तो ये आ जाएगा थ्री अपॉन एट सी स्क्वायर. ये हीट लॉस होगा इस सर्किट में आफ्टर द स्विच इज शिफ्टेड. इसमें जो आंसर पूछ रखा है वो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ चार्ज पूछा है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज,
तो इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज का मतलब ये इनिशियल चार्ज जो था, इनिशियल चार्ज था वो पूछा। फाइनली भी टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा, यानी कि जो जिन दोनों प्लेट्स को हमने कनेक्ट किया उनका मिला के टोटल चार्ज वही रहेगा, क्योंकि चार्जेस का बस सर्कुलेशन हुआ है, तो टोटल चार्ज दोनों प्लेट्स का मिला के वही रहेगा जिनको कनेक्ट कर रहे हैं उनको। तो उसके टर्म्स में वो चार्ज पहले कितना था, दैट चार्ज वॉज क्यू इज इक्वल टू c। तो अगर q के टर्म्स में लिखोगे तो ये q स्क्वायर अपॉन वही हो जाएगा 3/8 q स्क्वायर अपॉन c, तो उसका आंसर d हो जाएगा, हीट लॉस ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलो एक ये देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें एक कैपेसिटर को चार्ज किया, दूसरे को अनचार्ज था और फिर कनेक्ट कर दिया, तो इसको करने का एक तरीका जो हमने ये देखा कि चार्ज सर्कुलेशन वाला तरीका, एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें हम चार्ज कंजर्व कर लेते हैं। तो मान लो इस वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर लेते हैं, तो इसको देखो, इसको दूसरे वाले तरीके से करते हैं। जैसे बोल रहा है कि हमने एक 60 pF कैपेसिटर को 20 V से हमने चार्ज किया, तो चार्ज किया तो वो कुछ ऐसा चार्ज हो गया होगा, तो लेट से प्लस माइनस, और इस पे जो चार्ज आया होगा, अगर मैं वोल्टेज V बोल रहा हूं तो ये सीवी चार्ज आ गया होगा, इस पे सीवी चार्ज आ गया होगा, और फिर इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया सप्लाई से, और अब इसको एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, यानी कि दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर है, तो अनचार्ज कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस ये भी सी है और ये भी सी था, और इसको कनेक्शन मान लो हमने किया कि एक तरफ ऐसा कनेक्ट कर दिया, और फिर इसको एक ऐसा स्विच लगा लिया, और अब ये स्विच मान लो मैं क्लोज कर रहा हूं, स्विच क्लोज कर रहा हूं, तो अगर हमने स्विच क्लोज कर दिया, एस इज क्लोज्ड, तो एक तो तरीका ये सर्कुलेशन वाला तरीका जो अभी हमने किया, दूसरा तरीका ये होता है कि बस चार्ज कंजर्व कर लो, कि ये मान लो कि जैसे ही ये सिस्टम बन गया, तो इस सिस्टम में दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम ही रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैंने वी डैश मान लिया, वी डैश, तो अब अगर वी डैश है पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्जेस क्या हो जाएगा कि अगर लेट से ये प्लस है ये माइनस है, तो ये चार्ज इधर आया होगा, तो प्लस माइनस कुछ ऐसा हो जाएगा, और चार्ज के वाले अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश है, तो चार्ज लेफ्ट वाले पे हो जाएगा सी इंटू वी डैश इन टर्म्स ऑफ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, और प्लस राइट वाले पे भी कैपेसिटेंस वही है, तो उस पर भी हो जाएगा सी इंटू वी डैश इन टर्म्स ऑफ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जिन दोनों प्लेट्स को हमने कनेक्ट किया है, तो हमने कनेक्ट किया है इन दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया, तो इनका मिला के चार्ज वही रहेगा जो पहले था। तो पहले चार्ज कितना था, तो पहले देखोगे अगर इनका मिला के चार्ज, तो ये वाला प्लेट राइट वाला तो अनचार्ज था, लेफ्ट वाले पे चार्ज था सीवी, तो ये मिलके हो जाएगा सीवी, ये चार्ज कंजर्वेशन कर लिया, कि पहले हमने दोनों का कनेक्ट किया, तो दोनों के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस को वी डैश मान लिया, और उस वी डैश के टर्म्स में फाइनल जो चार्जेस लिख रहे हैं, जिन प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उनका चार्ज कंजर्व होगा, इनिशियल चार्जेस के बराबर होगा, तो यहां से वी डैश की वैल्यू फिर आ गई, वी डैश इज वी बाई टू। ठीक है, और फिर से हमें एनर्जी लॉस्ट बताना है, एनर्जी लॉस्ट, तो एनर्जी लॉस्ट कितना हो जाएगा, एनर्जी लॉस वही हीट लॉस बताना है, हीट लॉस तो हो जाएगा, पहले सिर्फ एक कैपेसिटर चार्ज था, तो हाफ सी वी स्क्वायर था उसमें एनर्जी, और माइनस अब जो हो गया दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी बाई टू हो गया, तो हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर अपॉन फोर, एक के पास एनर्जी और इंटू टू कर देंगे तो दोनों के पास एनर्जी आ जाएगी, तो ये अगर देखोगे तो हाफ सी वी स्क्वायर और वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, यानी सी वी स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा, वन बाई फोर, और सी की जगह वैल्यूज डाल देते हैं। अच्छा, ये पीको फैराड है, तो बार बार ये आ रहा है, इसको याद रखना है, पीको को कैसे रखेंगे, तो 60 × 10⁻¹² होता है पीको फैराड, और इंटू वी स्क्वायर, वी कितना था 20 वोल्ट का सप्लाई था, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 400, तो ये फिर कैंसिल करोगे तो ये 100 आ जाएगा, तो 6 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा, तो 6 × 10⁻¹⁹ जूल्स हो जाएगा आंसर, मिली जूल, नैनो जूल्स में पूछा है, तो नैनो जूल्स में आंसर फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हीट लॉस निकालने वाला क्वेश्चन हो गया ये। एक ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बोल रखा है कि दो कैपेसिटर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट किया है, एक का कैपेसिटेंस सी है और दूसरे का एन सी है, और बैटरी का वोल्टेज V के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर रखा है, V के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, तो V के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो बेसिकली इन पे जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा, मान लो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V था, ऊपर वाला हायर था, अगर हमने ऐसा ले लिया कि ये ऊपर वाला कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ये V है, और ऊपर वाला मान लो यहाँ पे जीरो ले लिया, ऊपर वाला V है, तो फिर इस पे चार्ज कैसा रहेगा, तो इस पे आया होगा प्लस माइनस सी वी चार्ज, और इस पे आया होगा प्लस माइनस एन सी वी चार्ज। अब बोल रखा है कि जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो बैटरी को रिमूव कर दिया, यानी कि ऐसा सिस्टम है,
अभी सिस्टम बोल रखा है कि एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इसके बीच में डाल दिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, यानी कि कुछ मैं रीड्रॉ कर दे रहा हूं कि बोल रखा है कि अब हमने ऐसा कर दिया कि ये एनसी वाला तो ठीक था, इसमें हमने क्या किया कि बीच में ऐसा एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, के का हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तो अब इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा केसी हो जाएगा, पहले अगर सी था और डायलेक्ट्रिक स्लैब के का डाल तो केसी हो जाएगा कैपेसिटेंस, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा ये बताना। तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स हमने वी डैश मान लिया, यानी कि अगर मैं रेफरेंस के लिए नीचे वाले को जीरो ले लूं, इसको जीरो ले लूं और ये वाला वी डैश बन जाएगा, तो अब चार्ज क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा प्लस माइनस के सी इंटू वी डैश और इस पे हो जाएगा प्लस माइनस एन सी वी डैश, और हमें यही वी डैश की वैल्यू बतानी है, तो चार्ज कंजर्व कर लेंगे। तो ऊपर वाले दोनों प्लेट्स को जो हमने कनेक्ट किया उनका चार्ज फाइनली क्या है, फाइनली हमारे पास के सी वी डैश प्लस एन सी वी डैश फाइनल चार्ज, ये इनिशियल चार्ज क्या था तो वो था सी वी और प्लस एन सी वी, तो ये सी वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा तो वी डैश आ जाएगा वी प्लस वी तो कैंसिल ही हो गया, सॉरी वी 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 तो बाहर आ जाएगा, वी बाहर आ जाएगा, तो लेट्स से वी मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो ये वन प्लस एन और नीचे में आ जाएगा सी तो कैंसिल हो चुका है के प्लस एन, तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा, ठीक है। तो जिन प्लेट्स को ज्वाइन कर रहे हैं उन पे हम चार्ज कंजर्व कर रहे हैं। चलो एक ये देखते हैं, एक कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज कर दिया और फिर प्लेट्स को हम पुल अपार्ट कर रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मान लो मैं कैपेसिटेंस सी ले लेता हूं, इनिशियल कैपेसिटेंस, तो मैं इनिशियली कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरड और चार्ज है 5 माइक्रो कूलम्स इनिशियल, और फिर हम कर रहे हैं कि फाइनल कैपेसिटेंस को हम कर दे रहे हैं 2 माइक्रोफेरड, तो कैसे कैपेसिटेंस कम कर रहे हैं, तो हम प्लेट्स को पुल अपार्ट करके सेपरेशन डबल कर दे रहे हैं, सेपरेशन कुछ बढ़ा रहे हैं और कैपेसिटेंस घट गया, तो इसमें कितना वर्क क्या होगा, इसको अगर थोड़ा लॉजिकली अगर हम समझें, तो दो कैपेसिटर के अगर प्लेट्स होते हैं, लेट्स से कैपेसिटर का एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, क्यों लगाते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि इन पर अगर चार्ज लेट्स से क्यू है और माइनस क्यू है, और मान लो यहां पे अभी तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है बैटरी चार्ज करके और चार्ज कैपेसिटर में दूर कर, तो चार्ज तो वही रहेगा, तो अब अगर मैं राइट वाला कैपेसिटर देखूं तो राइट वाला जो प्लेट देखूं उस पर लेफ्ट वाला प्लेट ऐसा एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के पुल कर रहा होगा, और ये फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो ये फोर्स में काफी सारे बच्चे इसका आंसर गलत लिखते हैं, गलत ये लिखते हैं कि वो बोलते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो हमने देखा था कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर्स के बीच में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दूसरा चार्ज क्यू कर देते हैं, तो ये गलत है, गलत इसलिए बिकॉज कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों ही प्लेट्स का रोल होता है, तो इसे लेफ्ट वाला जो क्यू है उसके कारण राइट में फील्ड होता है क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, और जो राइट में माइनस क्यू है उसके कारण भी राइट में ही फील्ड होता है क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को ऐड करके फिर ये फील्ड आता है, लेकिन अगर मैं माइनस क्यू पे फोर्स निकाल रहा हूं तो माइनस क्यू पे अपने ही फील्ड के कारण फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स जब भी हम निकालते हैं तो दूसरों के फील्ड के कारण हम निकालते हैं, तो माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट वाला जो चार्ज है क्यू उसके फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, तो उसका फील्ड तो ये नहीं है, उसका फील्ड तो क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट है, ये फील्ड है, ये पैरेलल प्लेट्स वाला सिस्टम ने देखा था पहले वाले वेबिनार में, तो क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट ये लेफ्ट वाले प्लेट के कारण फील्ड हो जाएगा राइट वाले प्लेट के लोकेशन पे, और इनटू उस पे चार्ज करेंगे तो उस पे चार्ज क्यू आएगा, तो ये उस पे फोर्स आ जाएगा और लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा होगा, फील्ड राइट की तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट इसको पुल करेगा ना वो एक्सटर्नल एजेंट कुछ इधर फोर्स लगाएगा एफ एक्सटर्नल, और ऐसे केसेस में हमेशा स्लोली पुल करना होता है, तो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा एफ एक्सटर्नल वो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाएगा सो दैट स्लोली मूव हो पाए, तो ये फोर्स लगाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, इतना फोर्स लगाएगा, और फिर सेपरेशन अगर बढ़ा रहा है तो फिर वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही हमसे पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा फोर्स एक्सटर्नल और इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एफ एक्सटर्नल तो हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि अगर मान लो फाइनल सेपरेशन डीएफ है और इनिशियली अगर डीआई है तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डीएफ माइनस डीआई, तो इसको अगर देखोगे तो इसको ऐसे सोच सकते हैं,
कि क्यू स्क्वायर अपॉन टू, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीएफ, तो इसको मैं सीएफ लिख देता हूं, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू सीआई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डीआई उसको सीआई लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा। और ये देखो ये तो बड़ा लॉजिकल आंसर आया है कि ये आ गया फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी कि कैपेसिटर की एनर्जी में जो भी चेंज हुआ है वो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क से ही हुआ है, और कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ गई होगी ना, बिकॉज चार्ज वही है और कैपेसिटेंस हमने घटा दिया, तो कैपेसिटेंस घट गया तो एनर्जी बढ़ी है, और कैपेसिटर की जो भी एनर्जी बढ़ी है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट से ही बढ़ी है ये एनर्जी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा है। तो ये यू एफ माइनस यू करोगे तो वहां से आंसर आ जाएगा, हाउ मच वर्क इज डन, तो इसमें आप वैल्यूज डालना है, चार्ज पता है कैपेसिटेंस पता है, तो ये वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेना, और लॉजिकली ये यू एफ माइनस यू आई आर है, यानी कि चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन था इसलिए हमने ले लिया। बोल रखा है कि कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड इज रिक्वायर्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट, यानी 1 किलो वोल्ट वोल्टेज है और हमें 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस चाहिए इसके अक्रॉस, और हमारे पास 1 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन कैपेसिटर ये 300 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं विथस्टैंड कर जाएगा, नहीं विथस्टैंड कर सकता है, यानी कि इससे ज्यादा अगर वोल्टेज लगा दोगे तो ये डायलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है, जो हमने डिस्कस किया था, डायलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हमें ऐसा चाहिए कि हमें ओवरऑल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड मिल जाए, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 300 से ज्यादा नहीं मिले, और अवेलेबल कितना अवेलेबल है, 1000, 1 किलो वोल्ट 1000 अवेलेबल है। तो जैसे अगर 2 माइक्रोफेराड बनाना है 1 माइक्रोफेराड से, तो पहला तो मन में ये आ सकता है ना कि मैं 1 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड दो को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, लेकिन पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दूंगा तो 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस तो हो जाएगा, लेकिन उसको अगर मैं 100 वोल्ट के अक्रॉस लगाऊंगा, 1000 वोल्ट के अक्रॉस लगाऊंगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब कि दोनों के अक्रॉस 1000 वोल्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुमने 1 माइक्रोफेराड के दो ऐसे कैपेसिटर लगा दिए, तो ये 2 माइक्रोफेराड तो बन गया, दैट इज फाइन, लेकिन इसको जब तुम अपने इस 1 किलो वोल्ट वाले सोर्स से कनेक्ट करोगे, वो कनेक्ट भी करना है, 1000 वोल्ट है ये, तब तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1000 हो गया, तो दोनों का ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, हमें चाहिए 300 वोल्ट ही लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे सोच सकते हो पहले कि पहले हम क्या करेंगे कि 300 अगर चाहिए तो एक ब्रांच में, अगर मान लो मैं एक ब्रांच में सारे इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो जितने लगाओगे पोटेंशियल डिफरेंस उतने में डिवाइड हो जाएगा, तो अगर मैं दो लगाऊंगा एक ब्रांच में तो 500 हो जाएगा, अगर मैं तीन लगाऊंगा तो 333 हो जाएगा तीनों के क्रॉस, अभी भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो तुम्हें एक ब्रांच में कम से कम चार लगाना होगा। अगर चार लगाओगे और फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे 1000 वोल्ट का, तो फिर एक के क्रॉस 250 आएगा, जो कि डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा उससे, लेकिन जैसे ही ये चार लगाओगे वैसे इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1/4 माइक्रोफेराड हो जाएगा, जबकि तुम्हें चाहिए 2 चाहिए। तो फिर ऐसे ही ब्रांचेस और पैरेलल में लगा दोगे, पैरेलल में और ब्रांचेस लगा दोगे, तो कितने ब्रांचेस लगाओगे, तो अगर वो एन लगा रहे हो तो सारे ब्रांच में चार चार हैं, और अगर एन है तो एन इंटू 1/4 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2, हमें कैपेसिटेंस इक्वलेंट 2 चाहिए, तो यहां से आ जाएगा एन इज इक्वल टू 8। तो 8 ऐसे रोज लगाओगे और हर रो में 1/4 माइक्रोफेराड है, तो फिर तुम्हें ओवरऑल 2 माइक्रोफेराड मिल जाएगा। तो तुम्हें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने चाहिए, एक रो में 4 और ऐसे 8 रोज, तो 32 तुम्हें चाहिए, 32 चाहिए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड जो हमें चाहिए था, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट ही रहेगा, जो कि ब्रेकडाउन से कम है, ठीक है। तो ये काफी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। तो अब हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया, तो आज के हमने थोड़ा कैपेसिटर्स में जो सर्किट्स वाला पार्ट था वो डिस्कस कर लिया, और डीसी सर्किट्स में जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स पहले नहीं किया था वो आज हमने कर लिया। तो ये आज का पूरा डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जाके अच्छे से एक बार अभी जो देख लिया तुमने वेबिनार, इसके बाद घर पे जाके सारे क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना, और भी मेंस के आर्काइव के क्वेश्चंस बाकी खुद से कर सकते हो प्रैक्टिस, सो दैट तुम्हारा रिवीजन थोड़ा और अच्छे से हो जाए। तो तुम हम जो यहां पे रिवीजन करा रहे हैं इसके साथ साथ अपना भी रिवीजन थोड़ा एडिशनल करते जाओ और सेम डे करते जाओ, सो दैट बाय द टाइम ये पूरा प्लान हमारा जो कोर्स है ये खत्म होगा, तब तक तुम्हारा भी जेईई मेन का रिवीजन अच्छे से खत्म हो जाएगा। ओके, सो हमने अभी तक जो शुरू के मैंने जो तीन वेबिनार्स, ये फोर्थ वेबिनार हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तीन चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
डीसी सर्किट्स और कैपेसिटर्स, ये पूरी तरह से लगभग सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली. ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन. ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेन. और अगेन, अगर ये वीडियोस, इस रिवीजन कोर्स का तुम्हें फ़ायदा हो रहा है तो तुम इस कोर्स को रिकमेंड कर सकते हो बाकी अपने फ्रेंड्स को, और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो. थैंक यू.